Sure. Look at the screen. All of you turn on the videos. Let's start. Yesterday, we did what we did. We did FIFO, LIFO and weighted average, right? एंड वेटेड एवरेज पहले तो स्टॉक वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट क्यों है ये हमने देखा ओके प्रॉफिट है वैल्यू ऑफ एसेट्स है सब डिपेंडेंट है उस पे ऑडिबल क्लियरली देन वी सॉ AS2 क्या बोलता है अपने को AS2 दो चीजें बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू दो चीजें बोलता है आप अपना मेथड डिस्क्लोज करो और अपना वैल्यू डिस्क्लोज करो हमने बोला ठीक है हम लोग मेथड कौन सा फॉलो कर सकते हैं स्टॉक के वैल्यूएशन में हमारे पास दो कैटेगरीज होते हैं मेथड फॉलो करने के लिए हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड एंड नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट कैन यू ऑल सी दैट ऑन द स्क्रीन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड हमने कल देखा हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स यू आर डीलिंग विद वन इज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन वाला यूनिक गुड्स एंड वन इज इंटरचेंजेबल गुड्स कॉमन गुड्स जो स्पेसिफिक यूनिक गुड्स होता है उसके लिए कैन यू अप्लाई फीफो लीफो और वेटेड एवरेज नो उन टाइप के गुड्स का कॉस्ट आप कैसे ढूंढोगे हर एक का अलग अलग रास्ता ही नहीं हो सबका कॉस्ट अलग अलग है तो अलग अलग ही करना पड़ेगा एंड स्पेसिफिक सॉरी सिमिलर गुड्स जो है सेम नंबर ऑफ यूनिट्स आप बना रहे हो तो आप इनमें से कोई भी मेथड अप्लाई करके अपना कॉस्ट ढूंढ सकते हो कौन से मेथड हमने देखे फीफो लीफो एंड वेटेड एवरेज इसमें से ज्यादातर कंपनीज दे आर इनटू व्हिच टू मेथड फीफो और वेटेड एवरेज फीफो इज नॉट अलाउड इन इंडिया नॉट इवन इन IFRS ओके सो फीफो एंड वेटेड एवरेज हम यूज करते हैं व्हाट इज फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो पहले आया वो पहले बिका कॉमन सिंपल रूल है जो ट्रेंड ऑफ बिजनेस होता है यूजुअली जो पहले गुड्स आते हैं वो पहले निकल जाते हैं तो जो भी लेटेस्ट परचेज प्राइस होता है वो आपका कॉस्ट में रिफ्लेक्ट करता है लेटेस्ट परचेज प्राइस ऑफ गुड्स इज रिफ्लेक्टेड इन द कॉस्ट एट द क्लोजिंग बैलेंस बराबर है फिर हमने देखा वेटेड एवरेज व्हाट इज वेटेड एवरेज वेटेड एवरेज में क्या करते हैं हम Do we take the latest purchase price or the average price? Average price. और ये simple average नहीं है simple average मतलब आपने सिर्फ price का total करके कर दिया divide by prices ऐसा नहीं होता weighted average अब आप कितना quantity कौन से price पे खरीद रहे हो तो पूरे पूरे साल में या पूरे महीने में जो भी आप value कर रहे हो stock ओके उसमें जितना क्वांटिटी और वो टोटल अमाउंट जितना है उससे आप प्राइस डिटरमाइन करते हो 200 यूनिट 4 रुपए पे खरीदा तो 800 का प्राइस हो गया कॉस्ट हो गया टोटल 300 यूनिट 6 रुपए में खरीदा है तो 1800 हो गया अभी टोटल वेटेड एवरेज प्राइस कैसे होता है इट इज टोटल ऑफ अमाउंट अपॉन टोटल ऑफ यूनिट्स टोटल ऑफ अमाउंट अपॉन टोटल ऑफ यूनिट्स ओके यूनिट्स के प्रपोर्शन में वो कॉस्ट जाता है एंड दैट इज वॉट इज इम्पॉर्टेंट आपने एक यूनिट 6 रुपए में खरीदा और 10 यूनिट 9 रुपए में खरीदा तो एवरेज ले लोगे प्राइस का तो 7.5 रुपए मिलेगा बट ऐसा नहीं होता है ना आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा बेटर आंसर आने के लिए बेटर एवरेज मिलने के लिए हम लोग क्या करेंगे एक यूनिट 6 रुपए में खरीदा तो 6 रुपया हुआ कॉस्ट 10 यूनिट 9 रुपए में खरीदा तो 90 रुपीज हुआ तो 96 डिवाइडेड बाय 11 अराउंड 8.78 rupees will be your cost. So that is what is weighted average. It's not normal average. It is weighted average. Weighted average मतलब units को भी consider करके आप average ढूंढते हो हमेशा. So broadly in the industry we are using these two methods. That is FIFO and weighted average. Then we saw something that was perpetual inventory system and periodic inventory system. Does anyone remember what is perpetual and what is periodic? Some meaning there. हर एक उसके बाद balance आता है. हर एक transaction के बाद आप stock ढूंढ रहे हो. हर एक transaction के बाद आप stock ढूंढ रहे हो balance.
calculate kar raha hai. That is which system? Perpetual system. So what is the advantage of that system? Main advantage kya hai uska? Samne hi dikh raha hai. Balance. Har transaction ke baad balance available hai, data available hai. Okay. Aapke paas stock ka pura control hai yahan pe. Jitna order karna hai, kam, zyada, beech mein decide kar sakte ho. Whereas in periodic inventory system kya hota hai? At the end of year, you go to your godown or storehouse or warehouse and you count the physical units. You count the physical units and you just then decide the method, which method you want to apply, whether it's FIFO, LIFO, weight. And depending on that, you see the agar FIFO hai to latest purchase price se multiply kar lete ho, LIFO hai to earliest purchase price se multiply kar lete ho. वेटेड एवरेज है तो सब यूनिट और सब अमाउंट का टोटल करके वेटेड एवरेज प्राइस लेके उससे मल्टीप्लाई कर लो. बराबर है? दैट्स पीरियोडिक. पीरियोडिक का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? चीप. टाइम बचता है, मनी बचता है. चीप. टाइम बचता है, मनी बचता है. चीप एंड टाइम सेविंग. ओके, सो इट इज एडवाइजेबल फॉर व्हाट टाइप ऑफ बिजनेसेस? ऑब्वियसली लॉजिकली देखा जाए तो स्मॉल ट्रेडर्स. स्मॉल ट्रेड businesses usually go for this periodic inventory system, whereas larger businesses, big organization, they usually prefer the perpetual system. Okay, perpetual inventory, periodic inventory. Yahan tak sabko samajh aa gaya? Pakka. Usse pe thoda aur aaj problem karte hain, a concept aur strong karte hain. Let's move to some number 16. Take out some number 16. अच्छा, खाली कॉस्ट ढूंढ के आपका काम हो जाएगा क्या एंड में? और एक चीज करनी होती है ना आपको, कंपेयर द कॉस्ट विद व्हाट? एनआरवी. नेट रियलाइजेबल वैल्यू. नेट रियलाइजेबल वैल्यू बताया था आपको. फिनिश गुड्स के केस में क्या होता है? यू सेल द गुड्स और उसको हाथ में आपको कितना पैसा मिलेगा? सेल वैल्यू माइनस द सेलिंग एक्सपेंसेस. ओके, टू कंप्लीट द सेल. तो आपको हाथ में जो पैसा आएगा, दैट इज योर एनआरवी, एंड कंपेयर कॉस्ट विद एनआरवी एंड रिकॉर्ड दैट. खाली कॉस्ट ढूंढ के आपका काम नहीं होता, उसको साथ में लास्ट में एनआरवी से कंपेयर करना पड़ेगा. Okay, now we go to 16th sum number 16. The Fairdale Granary was not maintaining a perpetual inventory system for its stock unit recently. So not maintaining a perpetual inventory system se aapko pata chal jata hai ki this company is maintaining periodic system, right? Only physical inventory was taken at the end of each month. Physical inventory at the end of December 2003 was 200 bags of fine rice at 212.25 per bag. The following purchases were made in January 2004. Sirf purchases ka data diya hai, issues ka data diya hi nahi hai. Kitna becha, kab becha, kuch nahi pata. On 31st January 2004, the physical stock was 1200 bags. You are required to calculate the value of stock on 31st January 2004 according to FIFO, LIFO and average cost method. Average में अपने को पता है नहीं है, weighted average, normal average तो हम लोग दोनों कर देंगे. Normal average आपको बताया नहीं था मैंने कल, आज हम लोग normal average, weighted average दोनों करते हैं यहाँ पे. So sum number 16 देखते हैं. पहले तो बताओ periodic system है कि perpetual है? Periodic. पीरियोडिक सिस्टम है. तो क्या ये बंदा वो टेबल बना रहा है स्टॉक लेजर? नहीं बना रहा है. तो उसको स्टॉक लेजर बोलते हैं. ओके, दैट टेबल इज आल्सो कॉल्ड अ स्टॉक लेजर. तो वो स्टॉक लेजर टेबल तो कुछ बना नहीं रहा है अभी. हर एक ट्रांजैक्शन के बाद गुड्स को वैल्यू किया है उसने? नहीं, एंड ऑफ द मंथ. अच्छा, एंड ऑफ द ईयर को सीधा फिजिकल क्वांटिटी लेता है और उसको मेथड अप्लाई कर लेता है. तो अगर अपने को पीरियोडिक सिस्टम करना है तो क्या वी नीड द डेटा फॉर इश्यूज?
कौन से प्राइस पे कब इश्यू किया, कुछ लेना देना है अपने को, अपन वैसे भी उसको इग्नोर मारते हैं, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट. ओके, वी जस्ट नीड द परचेज प्राइस जो अपने को दिया हुआ है. वी जस्ट नीड द परचेज प्राइस दैट इज गिवन टू अस, राइट. रिसीट का प्राइस दिया हुआ है. फॉर पीरियोडिक सिस्टम आई एम टॉकिंग अबाउट. परपेचुअल में अपने को इश्यूज का डेट वगैरह चाहिए, सो दैट एवरी ट्रांजेक्शन के बाद बैलेंस हम लोग कर सके. तो लेट्स बिगिन विद पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम. FIFO method. पहला FIFO से कैलकुलेट करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. थोड़ा आंसर प्रेजेंट करके लिखने का, बिकॉज दे हैव आस्क्ड यू ओनली पीरियोडिक. व्हाट वाज द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स, कितना यूनिट्स बचा था उसके पास फिजिकल एंड में. 1200 बैग्स बचे थे. कैन यू ऑल सी दैट क्लोजिंग स्टॉक 1200 बैग्स. दैट वाज फॉर जनवरी मंथ. वी आर डूइंग फॉर जनवरी ओनली. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31st January 2004, है ना. ऊपर जो दिया है वो दिसंबर का, मतलब वो ओपनिंग हो जाएगा जैन का, है ना. ऊपर जो है वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ दिसंबर है, वो ओपनिंग ऑफ जैन है. फिर जैन में ये परचेज किया, हर मंथ कर रहा है वो, और जनवरी के एंड में अपन क्लोजिंग स्टॉक ढूंढ रहे हैं. तुम्हारा मर्जी, मंथली करो, क्वार्टरली करो, ईयर एंड पे करो. जनरली बिजनेस ईयर एंड पे एक बार वैल्यू कर देते हैं फिजिकल इन्वेंटरी, बराबर है. क्लोजिंग स्टॉक फाइनल अकाउंट्स बनाना होता है इसके. नाउ 1200 बैग्स है आपके पास, वो 1200 बैग्स को आपको FIFO अप्लाई करना है. तो आप क्या करोगे, अगर आप पीरियोडिक कर रहे हो तो FIFO में आप ये लॉजिक अप्लाई करोगे, लेटेस्ट परचेज प्राइस पे वैल्यू करो, क्योंकि अर्लियर वाला तो सब बिक गया होगा, अर्लियर वाला तो सब बिक गया होगा, इंक्लूडिंग ओपनिंग स्टॉक सब बिक गया होगा. तो बचा क्या आपका, जो लेटेस्ट परचेज प्राइस का गुड्स है. तो अभी हाउ टू डू दैट. लेटेस्ट परचेज प्राइस अपना 300 बैग का है, 224, राइट. बट हमने 300 ही खरीदा है, उधर 300 ही खरीदा है ना, तो यहाँ पे स्टॉक में तो 1200 है. तो और भी गुड्स होंगे, मतलब और ऊपर के परचेज आप चेक करते जाओ. तो इन 1200 बैग्स में आप क्या अज्यूम करोगे, 300 बैग जो है वो 224 के रेट से है. अच्छा, फिर 700 बैग और हैं ऊपर, दिख रहा है 28 को लिए हुए थे आपने, 700 bags at 213 per bag. So 700 into 213. और कितना यूनिट चाहिए अपने को क्लोजिंग स्टॉक के लिए, 200 मोर. तो यहाँ पर तो खत्म हो गए 300 और 700, तो यही होंगे क्लोजिंग स्टॉक में. और ऊपर जाओ, 400 बैग्स थे, विल यू टेक ऑल 400? विल यू टेक ओनली 200, बिकॉज टोटल यू नीड ओनली 1200 बैग्स इन द क्लोजिंग स्टॉक. ऊपर वाला तो सब बिक गया, लेटेस्ट परचेज प्राइस वाला इतना ही यूनिट्स बचा होगा, जिसमें 300 यूनिट 224 का होगा, 700 यूनिट्स 213 का होगा, और 200 यूनिट होगा एट द रेट ऑफ 220. तो ये सबका मल्टीप्लाई करके बताओ मेरे को कितना होता है ये, 2,60,300. That's your value of closing stock. That's your value of closing stock. As per FIFO method, periodic system. As per FIFO periodic, this is the value of closing stock. Is that clear? अभी इसमें आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया, सपोज बोला कि भैया मार्केट में तो प्राइस था 2,50,000, एज ऑन 31st January मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स वाज 2,50,000. तो फिर किस पे वैल्यू, 2,50,000. ओके, लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लो. तो फिर इसका नोट लिखने का, हाँ, लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एज पर लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस. Okay, so 2,50,000, and एक लाइन में मेंशन कर देने का अगर दिया है तो. अब इसमें आपको दिया है कि these goods include
spoiled goods worth ₹10,000, which are worth 1,000. These goods include spoiled goods of 10,000, cost 10,000, which are worth 1,000 now. So, kya karna hai? Minus. Minus kitna? 10,000. Minus 10? 1,000 each ya khali total 1,000? Total 1,000. 10,000 ka value ka goods abhi 1,000 rupees hai khali. 10,000 माइनस 10 प्लस 1 भी करोगे ना 1,000 रुपए वैल्यू तो बेसिकली माइनस 9 तुमको दिया इसमें 10,000 का जो वैल्यू का गुड्स है वो स्पॉइल हो गया है एंड उसका वैल्यू अभी से 1,000 इट विल फेच जस्ट 1,000 सो व्हाट यू विल डू वो 10 अभी है नहीं उसका वैल्यू 1 है तो 9,000 से रिड्यूस कर देना है सिंपल एज दैट सो यू विल रिड्यूस द स्टॉक बाय 9,000 रुपीज एंड रिकॉर्ड द लॉस इमीडिएटली ओके कर लो दिस वन इज क्लियर लीफो पे जाते हैं अभी पीरियोडिक सिस्टम लीफो देखते हैं हम लोग लीफो में वो क्या करेगा क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स लिख दो पहले यूनिट्स तो सबका सेम है सॉरी अभी लीफो है तो लास्ट इन फर्स्ट आउट बंदा 200-1200 यूनिट्स देख लिया बैग्स हैं लीफो अप्लाई करना है तो व्हाट डील सी लास्ट इन फर्स्ट आउट तो रीसेंट वाले सब निकल गए तो कौन से यूनिट्स पे आप फोकस करोगे कौन से यूनिट्स के प्राइस पे फोकस करोगे ओपनिंग स्टॉक अर्लियर वाले स्टार्टिंग विद द ओपनिंग स्टॉक भी था तो वो भी बचा होगा ओपनिंग स्टॉक ऐसे ही आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक में बिका नहीं है लेटेस्ट आए हुए सब बिक गए तो ओपनिंग स्टॉक में 200 यूनिट्स थे एट द रेट ऑफ 212.25 अच्छा और कितने यूनिट्स अपने को क्लोजिंग स्टॉक के लिए वी नीड 1000 मोर राइट सो वी गो टू द नेक्स्ट परचेज डेट ऊपर से चालू कर रहे हैं नेक्स्ट परचेज प्राइस इज 400 बैग्स का 218 तो 400 बैग ये ले लिया हमने 218 के भाव के और भी अपने को 600 होंगे स्टॉक में क्योंकि उसके बाद वाले सब बिक गए होंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट कर रहे हो तो ऊपर वाले 3 बच्चे होंगे ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि हम पीरियोडिक कर रहे हैं हमारे पास डेट वाइज इश्यूज का डेटा है नहीं तो पीरियोडिक में आपको लेटेस्ट के जगह अर्लीस्ट परचेज प्राइस से चालू करना है इंक्लूडिंग ओपनिंग स्टॉक पहला ओपनिंग स्टॉक बच गया होगा फिर 400 नेक्स्ट परचेज से बचा होगा फिर 600 उसके नेक्स्ट परचेज से बचा होगा which is at the rate of 223.5. इसका बताओ मेरे को 200 into 212 कितना होता है? 42,450. 82,700. And total? Total is 263,750. That's your value of closing stock as per LIFO. Value of closing stock as per LIFO. तो ये होता है आपका पीरियोडिक सिस्टम अभी पीरियोडिक सिस्टम में एक और छोटा सा फ्लॉ हो जाता है वॉट इज दैट फ्लॉ कि आप जब क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कर दिया आपने ठीक है ये हो गया 1200 यूनिट्स थे और ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है लेकिन समझो साल के बीच में कुछ यूनिट्स चोरी हो गए गोडाउन में से निकल गए डिस्ट्रॉय हो गए चोरी हो गए तो आप तो सीधा लास्ट डेट पे जाके फिजिकल इन्वेंटरी काउंट कर रहे हो तो आपको तो सीधा क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स पता चलेगा तो जो यूनिट्स लॉस हो गए डिस्ट्रॉय हो गए चोरी हो गए आपको वो पता ही नहीं आर यू गेटिंग दिस आपको सीधा क्लोजिंग स्टॉक मिला है तो आप क्या करोगे जितना कॉस्ट है परचेज प्राइस उसी में वो लॉस वॉस सब आ गया which is not right actually इसीलिए पता है हम लोग final accounts में adjustment में अलग से करते हैं loss by fire trading credit and P&L debit remember final accounts में goods loss by fire क्या करते हो आप trading credit P&L debit वो आपका periodic system का stock होता है वो stock आपको end में मिल जाता है तो आप balance sheet में stock लिख देते हो उसको change नहीं करते और जो आपका परचेज गुड्स है समझो आपने 1 लाख का परचेज किया था
और 1 lakh के परचेज में से आप गोडाउन में गए, आपको 10,000 का स्टॉक मिला, तो 10,000 इज योर क्लोजिंग स्टॉक, बट बाकी 90,000 पूरा का पूरा बेचा नहीं है आपने, उस 90,000 में 5,000 का चोरी हो गया, उस 90 में 5,000 का चोरी हो गया, तो आप क्या करते हो, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड पीएनएल डेबिट, वहां से निकालते हो, पीएनएल डेबिट में ट्रांसफर करते हो 5,000 का स्टॉक. तो दिस इज द प्रूफ दैट योर स्टॉक इज एज पर पीरियोडिक सिस्टम. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इस केस में क्या होता है, आपको फाइनल यूनिट्स मिलता है. आप गोडाउन में गए, आपने चेक किया, आपको 1200 किलो 1200 राइस बैग्स मिला, बट साल के बीच में ऐसा भी हो सकता है 5 राइस बैग पानी लग के खराब हो गया, 5 राइस बैग्स पानी लग के खराब हो गया. आप तो गोडाउन में गए नहीं थे, आपने तो इनवॉइसेस बना के रखे हैं, ये आपका परचेज प्राइस रेडी है आपके पास, गोडाउन में तो आप गए नहीं थे, 5 राइस बैग स्पॉइल हो गए हैं. ये आपको बाद में मालूम पड़ेगा, जब कुछ गोडाउन वोडाउन में से कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तब, एडिशनल इन्फॉर्मेशन से, तो आप उसको एडजस्ट करते हो फिर फाइनल अकाउंट्स में. आपका स्टॉक तो उतना ही रहता है, स्टॉक को टच नहीं करते हो आप, परचेज प्राइस में से यू रिमूव दैट लॉस, लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय फ्लड, गुड्स लॉस्ट, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कुछ घर पे लेके गया, तो बाद में सपोज डेटा सब है उसका, घर का ड्रॉइंग का डेटा है या फ्लड फायर का कुछ डेटा मिला उसको, वहां से वो माइनस करेगा और पीएनएल में डालेगा, ट्रेडिंग से निकालेगा और पीएनएल में डालेगा, बिकॉज डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये आप करते थे फाइनल अकाउंट. फाइनल अकाउंट में आपका पीरियोडिक वैसे सीधा सीधा फाइनल वैल्यू ऑफ स्टॉक दिख गया था. परपेचुअल में ऐसा नहीं होगा. परपेचुअल में ऐसा क्यों नहीं होगा? परपेचुअल में एवरी टाइम आप डेटा मेंटेन करके रख रहे हो, तो आपको हर एक परचेज और इश्यू के बाद का स्टॉक रेडी है आपके पास, ठीक है? तो अभी आपका बुक्स में स्टॉक दिख रहा है 10,000 और आप गोडाउन में गए और निकला फिजिकल 9,000. बुक्स में स्टॉक दिख रहा है 10,000 क्योंकि आपने हर एक परचेज इश्यू के हिसाब से स्टॉक वैल्यू किया हुआ है परपेचुअल में, तो आपको एंडिंग में क्लोजिंग स्टॉक मिला है 10,000. परपेचुअल आई एम टॉकिंग अबाउट, परपेचुअल में आपको क्लोजिंग स्टॉक मिला है 10,000 एंड में. फिर आपने फिजिकल क्वांटिटी देखा तो वो हो गया 9,000. तो यहाँ पे इंडिकेट करता है कि 1,000 रुपीज का तो कुछ तो लफड़ा है, तो ढूंढो, या तो जल गया, या तो डिस्ट्रॉय हो गया, या तो चोरी हो गई, फिर पता चलेगा अपने को. तो हम लोग क्या कर देंगे, फिर स्टॉक को 9 कर देंगे और 1,000 का लॉस का एंट्री मार देंगे, तो फटाक से अपने को पता चल जाएगा कि भैया फिजिकल स्टॉक और बुक स्टॉक में कुछ फर्क है या नहीं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहाँ पे भी पता चल जाएगा, लेकिन थोड़ा ढूंढना पड़ेगा क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी आपने एक ही बार की है लास्ट डेट पे, तो आपको ढूंढ परत के फिर पता करना पड़ेगा गुड्स लॉस्ट वगैरह. तो ये बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है? In the perpetual system, since you are having stock at every stage, तो आपको stock मिला समझो 10 और गोडाउन में है 8,000, physical देखा last में तो 8,000 था, फटाक से पड़ गया difference 2,000, कुछ तो गया है, loss वगैरह हो गया है, पता चल गया. Whereas in periodic, आपको ultimately पहले stock value मिलती है, you first find out the stock value, physical units. तो वो लॉस वगैरह का डेटा अभी तक क्वेश्चन मार्क है, आपको रिसर्च करके या कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढ के पता करना पड़ेगा क्या कुछ लॉस हुआ है नहीं हुआ है, वो बाद में निकालना पड़ेगा आपको एडजस्टमेंट फॉर्म एडजस्टमेंट्स करके फाइनल अकाउंट. इज दिस क्लियर? सो दैट इज अगेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज अंडर पीरियोडिक एंड परपेचुअल. ओके, वो सिर्फ आपको समझने के लिए है. Problems में they won't ask you all these things. This I'll explain again when we do the loss part and when we do the reconciliation. तभी और clear हो जाएगा ये part. अभी तीसरे वाले पे जाते हैं, average cost and weighted average cost. तो let's first calculate weighted average, जो हमने कल भी सीखा था. Weighted average से periodic calculate करते हैं. Weighted average से let us calculate periodic. So closing stock in units
is how much? 1200 bags. Now weighted average के लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरे साल का, यहाँ पे पूरे महीने का, पूरे महीने का यूनिट्स और पूरे महीने का वैल्यू साथ में दिखा देते हैं, इंक्लूडिंग ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक भी लेना है इसमें, क्योंकि वो भी सेल किया होगा आपने. तो ओपनिंग स्टॉक का बैग्स था 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 212.5. That was 42,450. Then 400 bags at the rate of 218,87,200. Then 900 bags at the rate of 223.5. That's how much? 201,150. Then we have 400 bags at the rate of 220, that's 88,000. Then we have 700 bags at the rate of 213 per bag, that is 149,100. Then we have 300 bags at the rate of 224. 67,200. That's it. So we get the total of amount and the total of units, including opening. 3,100. 3,100 is the total. 63,500. And total of 6 plus 9, 15, 19. 2,900. Now you divide 219 by the amount and get the rate. 219. 219 is the rate. Mila? 219 is the rate. This rate directly will apply to your 1200 bags. So, value of closing stock 262,800 is what? 2900 into 1200 into 219, that is 262,800. ये हुआ आपका वेटेड एवरेज. पीरियोडिक में हमेशा स्टॉक के यूनिट्स पहले मिलेंगे, तो बचा हुआ गुड सब लॉस वगैरह सीओजीएस में पड़ा है आपका ओरिजिनल खर्चे में. वेर एज इन केस ऑफ परपेचुअल आपको सीओजीएस पहले मिलेगा, स्टॉक बैलेंसिंग फिगर मिलता है, हर बार स्टॉक लास्ट अमाउंट मिलता है. तो उसको फिजिकल से आप कंपेयर करके फटाक से डिफरेंस मिल जाएगा, लॉस वगैरह, फ्लड्स, फायर, थेफ्ट, ऐसा होता है. गॉट इट? ये वाला समझा? पीरियोडिक तीनों एग्जांपल्स. अभी चौथा अपन एवरेज कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट मेथड. एवरेज कॉस्ट भी एक्चुअली नो वन यूजेस. एवरेज कॉस्ट मेथड इज नॉट सो पॉपुलर. एवरेज कॉस्ट में क्या करते हो आप? और एवरेज कॉस्ट में परपेचुअल होता ही नहीं है. एवरेज कॉस्ट में इट इज ओनली पीरियोडिक. सो एवरेज कॉस्ट में व्हाट डू यू डू? सिंपली टेक द रेट का एवरेज. ओके, बहुत सारे गुड्स में आप डील कर रहे हो सिमिलर प्राइस के, और आपको बहुत सारे यूनिट्स है और आपको सेम प्राइस पे आ रहे हैं ऑलमोस्ट, तो आप एवरेज प्राइस यूज कर सकते हैं. ओके, बहुत ज्यादा वेरिएंस नहीं है प्राइस में, डिफरेंस नहीं है, और आसपास के प्राइस में आ रहे हैं, बहुत फ्लक्चुएशन नहीं हो रहे हैं प्राइस में, बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, नहीं है ऐसा है, तो यू कैन गो फॉर एवरेज प्राइस. तो एवरेज प्राइस में आप क्या करोगे, यही एग्जांपल में, जस्ट टेक द एवरेज ऑफ दिस प्राइसेस. लास्ट वाले को मत लेना, जस्ट टेक द एवरेज ऑफ दिस प्राइसेस. No units involved, just the average of prices, including opening stock. So average cost में क्या होएगा, आप पहले average price ले लोगे. Average price कितना है आपका? What is the average price? 218.46.
ऐसे करना है मालूम है ना, 212.5 I'm showing it over here, 212.5 plus 218 plus 223.5 plus 220 plus 213 plus 224 divided by 6. How much? 218.46. 218.46. That's your average price. Just multiplied by the units and you get your stock. Simple. Simple average bolte hain isko. This is 1200 into 218.46. बहुत ज्यादा variations नहीं है price में, fluctuations नहीं है तो आप average price के लिए जाना. Fluctuations हैं तो better you go for weighted average. और fluctuations नहीं है और similar amount है और आपको genuine business trend follow करने का है तो go for FIFO. Go for FIFO. कितना आ रहा है? 2.5 ही आ रहा है. 212.25 है ये भी 212.25 है. और आंसर 218.46 बराबर है ना? हाँ. अभी 218.46 इनटू 1200. 262.152. That's your answer. 262.152. That's your simple average. Simple average में आप quantity नहीं देखते हो क्योंकि price fluctuations इतने नहीं होते हैं तो आप average price लेके अपना stock multiply कर लेते हैं. फिर ऑल्दो हम लिखते decimal में हैं, हम लोग जो calculator पे value आती है उससे direct multiply कर सकते हैं ना? Accurate answer के लिए you can do, yes. तो ज़्यादा मिलेगा accurate answer. You can do that. Sorted है? सिंपल एवरेज सिंपल ओके. पीरियोडिक चारों से क्लियर है अभी? पीरियोडिक में क्या होता है, परपेचुअल में क्या होता है, फर्क समझ में आया? अच्छा, ये भी बताया था आपको कि ये आपका बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक है. जो आपका फिजिकल स्टॉक है और ये बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक है वो भी अलग हो सकता है प्राइस में, क्योंकि कभी कोई लॉट्स आगे पीछे, चेयर वाला एग्जाम्पल दिया था आपको याद है, आगे पीछे लॉट्स निकल जाएंगे तो जरूरी नहीं है जो एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक है वो यही प्राइस के परचेज का गुड्स है. ओके, 19-20 हो सकता है, उसमें भी पॉसिबल है. तो अल्टीमेटली क्या जानना जरूरी है कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो और कौन सा वैल्यू दे रहे हो स्टॉक को. दैट इज इंपॉर्टेंट. आर यू गेटिंग दिस? विच मेथड यू आर अप्लाइंग एंड व्हाट इज द वैल्यू यू आर अराइविंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. फीफो कर रहे हो तो आप लेटेस्ट प्राइस दे रहे हो, वेटेड एवरेज कर रहे हो तो आप एवरेज प्राइस दे रहे हो. आप ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हो अपने बुक्स के यूजर्स के, कि अपने क्रेडिटर्स को, अपने डेटर्स को, अपने बैंक्स को, अपने शेयर होल्डर्स को, कि भैया मैं ये मेथड अप्लाई कर रहा हूँ और ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है. अब आगे से हर साल मैं यही अप्लाई करूंगा क्योंकि ये मेरी पॉलिसी है. ये मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज एन अकाउंटिंग पॉलिसी. याद है अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती थी? इंटरनल रूल्स अप्लाइड बाय द कंपनी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ स्टैंडर्ड्स. स्टैंडर्ड्स के अंदर रह के आप अपने रूल्स बना रहे हो. स्टैंडर्ड बोल रहा है डेप्री चार्ज करो, मेथड आपके ऊपर छोड़ा है, आप एफआईएम करो या आरबीएम करो, बट जो चूज कर रहे हो कंप्लीट रखो उसको, हर बार स्टार्ट टू एंड वही यूज करो, डोंट फ्लक्चुएट, डोंट कीप ऑन शिफ्टिंग. तो आपको AS2 बोल रहा है आप स्टॉक वैल्यू करो और लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे दिखाओ, मेथड आपके ऊपर छोड़ा हुआ है कंपनी के ऊपर. तो आप फीफो करो, वेटेड एवरेज करो, सिंपल एवरेज करो, चलेगा. उसमें आप जो मेथड करना है वो साल दर साल फॉलो करनी है तो कंसिस्टेंसी रहेगी, तो आप गुमराह नहीं कर रहे हो दूसरे पार्टी को, वो एंटिसिपेट कर सकेगा आपका वैल्यू ऑफ स्टॉक डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस. इज दैट क्लियर? क्या बोला, सुना, समझा? अकाउंटिंग पॉलिसी को शिफ्ट नहीं करना है घड़ी घड़ी, ठीक है? अच्छा, देन वी टेक अनदर सम नंबर 17.
सम नंबर 17 में अपना आई थिंक परपेचुअल है, सम नंबर 17 is perpetual, first in first out. Okay, sum number 17. FIFO पूछा है, but we'll do by both FIFO and weighted average just to get a knack थोड़ा अच्छे से. FIFO and weighted average. Sum number 17. All of you take sum number 17. Draw कर लो table. Come. तो लिखा थोड़ी है परपेचुअल करने, पीरियडिक नहीं दिया है तो परपेचुअल, टेबल इनफॉरमेशन में कुछ नहीं लिखा है. हाँ पीरियडिक नहीं दिया ना, टैबुलर इनफॉरमेशन में हमेशा परपेचुअल करने का. पीरियडिक नहीं है तो परपेचुअल सर. If periodic is specified, then only go for periodic. Periodic आने का chance भी कम है. Specify किया है तो periodic, otherwise perpetual. This is receipt, issues, balance. We are doing FIFO. First out. Let's begin. 17th problem. Start with the opening balance. यहाँ पे दिया हुआ है opening stock, opening inventory, 1st of June. So 1/6. कितना है ओपनिंग इन्वेंट्री इज 500 टन्स एट 200. तो इसको यहाँ पे मत लिखना रिसीट इश्यू में, डायरेक्टली बैलेंस में. यहाँ पे लिखना ओपनिंग बैलेंस या ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग बैलेंस, दिस इज 500 टन्स एट द रेट ऑफ 200 विच इज 10,000. ओके, वी आर डूइंग FIFO राइट नाउ. 2nd जून को इश्यू किया हुआ है, सो 2nd जून 70 टन्स यू हैव इश्यूड, सो ऑब्वियसली आउट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री यू हैव इश्यूड एट द रेट ऑफ 200, दैट इज 14,000. सर 1 लाख आएगा ना, 1 लाख आएगा, 1 लाख 200 इनटू 5 इज 1000 एंड 10,000 एंड 1 लाख सॉरी, एंड दिस इज 200 इनटू 7 1400 14,000 एंड देन 430 at the rate of 200, that is 86,000. Perfect. 86,000. Then again, 3rd June we have issued. So, isi lot mein se issue kiya hoga humne. 100 tons at the rate of 200, that's 20,000. 430 less 100, 330 units are left at the rate of 200, so 66,000. Then on 8th June again we have issued, again issued 8th June ko 80 tons at the rate of 200 which is 16,000,
Now we arrive at 250 tons, 200 के हिसाब से 50,000. That's the value of stock after every transaction. Then we received on 13th June 200 tons at 190. So 38,000 and no issues. So now we will write the balance like this. This is 50,000 original, aur ye 200 aane ke baad 38,000. Okay. फिर 14th को है रिटर्न इनवर्ड. व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न इनवर्ड? रिसीटी सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न तो किस में जाएगा? रिसीट. परचेज रिटर्न है तो इश्यू में जाएगा. तो नॉर्मली आपको सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न में लॉट देंगे. कौन से लॉट का आपने रिटर्न किया है या कौन से लॉट का आपको रिटर्न हुआ है? अगर कुछ इन्फो नहीं दी है तो अज्यूम इट इज द लेटेस्ट इश्यू का रिटर्न. प्राइस चाहिए ना आपको उसका. सेल्स रिटर्न मतलब रिसीट में आप प्राइस लिखोगे ना. तो कौन सा प्राइस लिखने का? जो लॉट में आपने इश्यू किया है ना. अगर समझो यहाँ पे दिया होता कि द रिटर्न इनवर्ड वेयर फ्रॉम द इश्यूज ऑफ 2nd June, तो 2nd June वाला प्राइस यहाँ पे आएगा. द रिटर्न वेयर फ्रॉम द इश्यूज ऑफ 3rd June, तो 3rd June वाला आएगा. यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो लेटेस्ट इश्यू देखने का. लेटेस्ट इश्यू इज विच वन? दिस वन. दिस वन इज द लेटेस्ट इश्यू. लेटेस्ट इश्यू में अभी यहाँ पे कौन से सब में 200 200 200 है. यहाँ पे समझो 150 होता. यहाँ पे तुम्हारा प्राइस जो भी लॉट में से तुमने इश्यू किया हुआ है. समझ रहे? तो बोलने का मतलब अगर अलग अलग प्राइस होते तो जिस लॉट में आपने इश्यू किया वही प्राइस यहाँ पे अप्लीकेबल होगा सेल्स रिटर्न. बट यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है कौन सा लॉट का रिटर्न हो रहा है. तो वी अज्यूम इट इज द लेटेस्ट लॉट. लेटेस्ट मतलब 8 June को जो बेचा था उसमें से रिटर्न हो गया. तो वो 200 रुपए का प्राइस में रिटर्न हुआ है. सेम प्राइस 200. दिस वन. इज इट क्लियर? रिटर्न विल राइट अंडर रिसीट. कितना टन्स है? 15 टन्स ऑन 14th June. 15 टन्स एट द रेट ऑफ 200 दैट शुड बी 3000. एंड नाउ योर इन्वेंट्री विल बी, ये जो देखो 15 टन रिटर्न हो गया है ना 200 वाला, तो ये एक्चुअली क्या हुआ है? ये बेचा है और ये वापस आ गया. ये बेचा है और ये वापस, ये नया रिसीट नहीं है. ये बेचा और ये वापस आ गया. तो हाउ विल यू शो द स्टॉक नाउ? में ऐड करोगे 265 में कि 200 में? 250 में. उसके उस बैलेंस का गुड्स है ये. आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसकी को बिलोंग करता है 200 वाला गुड्स. तो यहाँ पे आपका बैलेंस में हो जाएगा 265 टन्स एट 200 एंड ये हो जाएगा 53,000. आर यू अंडरस्टैंडिंग? नया रिसीट नहीं है. नया रिसीट है तो नीचे आ जाएगा ऑर्डरली. निकिशा, आर यू अंडरस्टैंडिंग? न्यू रिसीट है तो फिर नीचे लिख देने का. ये न्यू रिसीट नहीं है. बेचा था और वापस आ गया. बेसिकली ये इसी बैलेंस का हिस्सा है जो बेच के वापस आ गया. तो बैलेंस में ही ऊपर वाले बैलेंस में ऐड कर देना. हाँ तो भी ऊपर ही आएगा ये, क्योंकि ये दूसरा वाला 200 यूनिट्स 190 का बाद में आया ना. ये नया रिसीट नहीं है. अगर ये अकेला भी होता ना 190 वाला, तो 190 वाले के ऊपर जाएगा ये 200 वाला, क्योंकि पहले वाला गुड्स रिटर्न होके आया है. पहले इसी को बेचोगे ना तुम अभी. समझा? तुमने कुर्सी बेची, उसको पसंद नहीं आया, कुछ रीजन हुआ, उसने वापस कर दी, और तुमने उसके बीच में नई कुर्सी भी खरीद ली. तो अभी पहली कौन सी बेचोगे? वो नई वाली बेचोगे कि जो वापस आई है वो बेचोगे? वापस आई है वो सेल करोगे. Are you getting this? नहीं तो लीफ हो जाएगा. रिसेंट वाली पहले भेज दिया. Got it? तो रिटर्न वाला पहले. डिफेक्टिव होगा तो हम रिटर्न कर देंगे, फिर परचेज रिटर्न भी आएगा.
परचेज रिटर्न आएगा तो वापस इश्यू में ऑडिट, उसका भी लॉट दिया होगा, कौन से लॉट का है, तो सेम प्राइस लेने का उधर. सो नाउ हियर योर स्टॉक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे ये 265 में ऐड हो जाएगा और फिर दूसरा बैलेंस होएगा आपका जो है 200 वाला एट द रेट ऑफ 198,000. इज दिस क्लियर? रिटर्न इनवर्ड्स ओके, ऊपर बैठ जाएगा. देन 16th में, 16th में क्या हो रहा है, इश्यूड 180 टर्न्स. इश्यूड 180 तो कैसे, आई थिंक 265 में से इश्यू करोगे आप, फीफो कर रहे हो 200 रुपए में, तो 36,000. अभी 265 माइनस 180, 85 टर्न्स एट द रेट ऑफ 200, 17,000. एंड 200 तो वैसे का वैसा एट द रेट ऑफ 190, 38,000. ये हुआ आपका 16th जून. फिर जाते हैं नेक्स्ट वाला इज 16th जून इश्यूड. फिर 20th जून, 20th जून को रिसीव्ड, 20th जून को रिसीव्ड, 20th जून रिसीव्ड है 240 टर्न्स एट 192. कितना होता है ये? 46,080. And now your balance will be like this: 85,200, 17,000, 200 at 190, 38,000, and this new one 240 at 192, 46,080. Got it? Fir kiya hai humne issue 24th June ko. Lekin agar idhar dhyan doge to aapko ek adjustment diya hua hai niche. Read the adjustment kya diya hai. Issued are to be priced at the principles of first in first out. The stock verifier has found a shortage of 10 tons on 22nd June and left a note accordingly. Stock verifier kaun hota hai apne godown mein jo rakha hua hai physical stock ko dekhne ke liye. Usne beech mein hi kidhar uska physical stock dekhne ka man hua to check kiya usne 22 June ko. He got a shortage of 10 tons. ये शॉर्टेज मैंने अभी अभी आपको बोला था, आपको फिजिकल स्टॉक का शॉर्टेज जनरली एंड में पता चलता है. एंड में अगर आपको कुछ शॉर्टेज वॉर्टेज मिला तो आप उसको लॉस वॉस दिखा के बंद कर सकते हो. एंड का भी पार्ट मैं आपको बताता हूँ वापस ये सम के एंड. इसमें क्या हुआ, वो स्टॉक वेरीफायर बीच में ही जाया, गोडाउन टन का शॉर्टेज मिला, कुछ चोरी हो गया या वॉट एवर इट इज, यू डोंट नो. तो यहाँ पे जो गुड्स है उसमें से क्या हो जाएगा, 10 टन बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कब हो जाएगा, ऑन विच डेट, कब पता चला आपने को, 22nd जून में अपने को इधर एक एंट्री घुसाना पड़ेगा. कौन सा एंट्री? शॉर्टेज का एंट्री. तो कम होएगा तो कौन से साइड आएगा, रिसीट के इश्यू, इश्यू 10 टन्स. नाउ अबाउट द प्राइस, विच प्राइस आर वी सपोज टू कंसिडर, 200, सेम लॉजिक, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो वही शॉर्टेज, मतलब चोरी भी करके लेके जाओ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस है अज्यूम करने का. तो प्रैक्टिकलिटी में तो कोई भी चोरी हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है. मैं तुमको बोला ना प्रैक्टिकलिटी में तो तुम्हारा वैल्यू ऑफ स्टॉक भी अलग ही होगा, जो तुम रिफ्लेक्ट कर रहे हो फीफो में बुक्स में, प्रैक्टिकलिटी में वो फिजिकल गोडाउन में स्टॉक होना जरूरी नहीं है. बताया था ना, तो यहाँ पर अज्यूम अजम्पशन है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पहला जा रहा है, तो यही 200 वाला गया है, तो ये हो जाएगा 2000. अब बचेगा कितना, 75, 200, and 15,000, then 200, 190, 38,000, and 240, 192, 46,080. ये पार्ट वॉज इम्पोर्टेंट. शॉर्टेज वॉर्टेज आपको कभी दिखाई दे तो इमीडिएटली इश्यू कर देने का, एट फीफो है तो फीफो, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज उसके हिसाब से उतना हटा देने का यूनिट्स में से.
अभी आपका यूनिट परफेक्ट आ गया, अभी आपको पता चल गया ये लॉस वगैरह जो भी है इसकी एंट्री हम लोग कर देंगे बाद में, ट्रेडिंग में से निकाल के पीएनएल में डाल देंगे, बट ये बैलेंस यूनिट्स तो अभी इंटैक्ट है, फिजिकल स्टॉक के साथ सेम यूनिट्स आ गए अपने। जनरली फिजिकल वेरिफिकेशन एंड में होता है, इसने बीच में ही कर दिया तो उसको मिल गया यहाँ पे। और एक यहाँ पे रिटर्न्स वाज डिफरेंट। फिर जाते हैं हम लोग नेक्स्ट डेट पे, दैट इज 22nd के बाद। फिर सेकेंड वाला भी पूरा 190, 38,000 और तीसरा वाले में से 25 एट द रेट ऑफ 192 कितना 4,800। अब बचा कितना इसमें से ही 25 गया, 15 बचा, 192 वाला बचा और कितना 41,280। फिर 24 जून के बाद वी हैव 25th जून रिसीव 320 टन्स एट 194 कितना होता है ये 62,080। अब स्टॉक क्या हो जाएगा, अभी ये 215 ओरिजिनल तो है ही, 192 41,280 एंड 320 एट द रेट ऑफ 194 62,080 फिर वी हैव another issue of 115 tons on 26th of June 915 tons to 115 pehle wale mein se hi jayega 192 wale mein se 22,080 and balance mein aayega isme se 100 bach gaya 192 ke rate ka to 19,200 aur 320 wala 194 ke hisab se 62,080 and then we have another receipt of 350 tons at 195 on 27th June 350 tons at 195 kitna hota hai 350 tons at 68,250 aur yahan pe abhi stock kaise dikhaoge 100 at 192 19,200 320 at 194 62,080 and 350 at the rate 195 68,250 that is your closing stock sir 30th ka issue bhi kiya hai are yaar khatam hi nahi ho raha ye sab iske baad bhi ek issue 30th june ko bhi ek issue hai ना इश्यू है भैया 400 टन। अरे बाप रे 400 को अभी ये पूरा साफ कर देगा, 100 तो पूरा साफ हो गया 192 19,200 320 यहाँ से लो 194 62,080 और कितना चाहिए अपने, अरे 300 अरे 300 ही चाहिए, हाँ 300 ही चाहिए 300 एट द रेट ऑफ 194 19,357 58,200 अब स्टॉक में पहला वाला 100 तो गायब हो गया, इसमें 20 बचा है 194 का दैट इज हाउ मच 38,80 एंड 350 एट द रेट ऑफ 195 दैट इज हाउ मच 68,250 अभी तो कुछ है नहीं ना, बस हो गया। सो दैट्स योर क्लोजिंग स्टॉक, ये हुआ आपका फीफो। समझा कि नहीं, व्हाट वाज द डिफरेंस इन दिस प्रॉब्लम, यू हैड रिटर्न। ओके तो टेंशन लेने वाला कुछ है नहीं, बात परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न अगर आया तो लॉट स्पेसिफाई किया होगा तो सेम रेट ले सकते हो, नहीं दिया है तो लेटेस्ट रेट। ओके शॉर्टेज था, शॉर्टेज तो हमेशा फीफो के जैसा ही करने का,
shortage is like FIFO only. Okay. Understood. अब जाते हैं वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पे. वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विल बी व्हाट 20 × 194 3880 350 × 195 6882 50 टोटल कितना आता है 72 130 दैट्स योर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 72 130 ये आपका इस साल या इस महीने के एंड का स्टॉक है बराबर है 72 130 ये बुक वैल्यू है आपका स्टॉक रजिस्टर इसको इतना बता रहा है स्टॉक लेजर स्टॉक रजिस्टर जो भी बोलो उसको दिस इज 72 130 बट आप अभी गोडाउन में गए वापस आप गोडाउन में गए और आपको मिला देर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ से 20 टन्स का शॉर्टेज था गोडाउन में तो अब आपका स्टॉक कितना हो जाएगा -380 कौन सा 20 टन्स निकाल दोगे ये वाला FIFO वाला फर्स्ट वाला निकाल दोगे तो बैलेंस अभी आपका 68 250 विल बी द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज दैट क्लियर वो बाकी का लॉस है ट्रेडिंग क्रेडिट पीएनएल डेबिट अच्छा ये सब मैं देख के अगर आपको मैं पूछूं What is my COGS? Cost of goods sold. बताया था शॉर्टकट याद है किसी को Issues का total amount. Very good. Issues का total amount. That's your COGS. तो issues का अगर आप total कर दो ये आपका मिलेगा cost of goods sold. कर सकते हो कितना आ रहा है देखो एक मिनट Issues का total करके देखो 14 + 20 = 34 50 86 245 280 ज़्यादा आएगा 245 280 sure हाँ issues का पूरा हाँ सर वही है okay 245 280 that's your COGS cost of goods sold cost of goods sold का मतलब क्या है it is जो goods बेचा उसका cost opening stock प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक दैट इज COGS ये पता है सबको जो गुड्स आपने बेचा है उसका कॉस्ट ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ठीक है इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस भी है अगर है तो ऐड कर देने का इधर नहीं है तो फिर इग्नोर मारा है अभी COGS प्लस GP इज इक्वल टू सेल्स वी नो दिस राइट COGS प्लस GP इज इक्वल टू सेल्स You know this, right? Hello. अभी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में माई COGS इज 245 280 एंड माई क्लोजिंग स्टॉक इज 72 130 राइट बट एज आई टोल्ड यू आई वेंट टू द गोडाउन ऑन द लास्ट डेट एंड आई फाउंड 20 टन का शॉर्टेज मिला तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा मेरा 68 250 हो जाएगा ना क्योंकि अभी तो 3880 है नहीं वो 3880 क्या लॉस है तो हम लोग क्या करेंगे उस लॉस को इसमें ऐड कर देंगे फिलहाल 3880 तो ये बन जाएगा 245 280 + 3880 फिर जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो वापस इसको ट्रेडिंग क्रेडिट और पीएनएल डेबिट ट्रेडिंग क्रेडिट और पीएनएल डेबिट इज दैट क्लियर ट्रेडिंग से हटा के पीएनएल डेबिट में डाल दोगे क्या किया हमने समझ आया पक्का स्टॉक में कुछ भी लॉस है तो स्टॉक को कम कर दिया इधर COGS में वो लॉस बता दिया मतलब खर्चे में ऐड कर दिया परचेज एक्सपेंस में उसको ऐड कर दिया और फिर ट्रेडिंग बनाते वक्त परचेज में से निकाल के पीएनएल में डाल दो या इधर से भी डायरेक्टली पीएनएल में डाल सकते हो नो प्रॉब्लम यू कैन पुट दिस 3880 डायरेक्टली टू पीएनएल तो फिर ऐड करने की जरूरत नहीं है Ultimate COGS will be this only 245 280. Is that clear? समझ आई बात पक्का? Hello.
ये क्या है 245280 आपका ट्रेडिंग का डेबिट माइनस क्रेडिट का कॉस्ट है, सेल्स में से ये कॉस्ट माइनस करते हो तो जीपी मिलता है, बराबर है। अब ये 3880 क्या है, कोई लॉस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस होगा, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, तो ये ट्रेडिंग में तो नहीं दिखना चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐड किया और ट्रेडिंग में वापस क्रेडिट किया, मतलब माइनस कर दिया और पीएनएल डेबिट में दिखा, या फिर इसको ऐड मत करो, ऐड मत करो और डायरेक्टली पीएनएल में दिखाओ, तो आपका सीओजीएस विल बी स्टिल 245280। सीओजीएस 245280 अभी ऐड करोगे तो ट्रेडिंग क्रेडिट करके माइनस होने वाला है, और ऐड नहीं करोगे डायरेक्टली पीएनएल में दिखाओगे तो सीओजीएस विल बी स्टिल 245280, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इज दैट क्लियर? इसमें मैं सपोज आपको बोलूं ये इंफॉर्मेशन में अपना जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये पता है मेरे को, सीओजीएस पता है, क्लोजिंग स्टॉक पता है। अब मैं आपको बोलूं अपना ग्रॉस प्रॉफिट इज 50,000, कैन यू टेल मी व्हाट इज द सेल? ग्रॉस प्रॉफिट इज 50,000, सो इफ यू ऐड 50,000 टू दिस, व्हाट्स योर सेल प्राइस, सेल वैल्यू? 240 295 280 295 280 इज माय सेल वैल्यू, जो बाय सेल्स करके जाता है आपका ट्रेडिंग क्रेडिट। इज दैट क्लियर? तो ये आपको सब इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है, ओपनिंग परचेज, सीओजीएस, ओके, क्लोजिंग स्टॉक। इसमें कुछ सपोज प्रॉब्लम हुआ फिजिकल इन्वेंट्री के साथ तो आपको स्टॉक को कम कर देना है, सीओजीएस को बढ़ा देना है, सिंपल एज दैट। पूछते नहीं है ये सब, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको कंसेप्ट समझ में आए क्या हो रहा है यहाँ पे इसके लिए। चलो बढ़े आगे, परपेचुअल पीरियोडिक। अच्छा, इसी को वेटेड एवरेज से करना है आपको होमवर्क में, द सेम सम वेटेड एवरेज यू हैव टू डू इन होमवर्क, ओके, सेम सम बाय वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज आपका होमवर्क है आज का। इसमें आपको यहाँ पे रिटर्न और शॉर्टेज में, ये रिटर्न आपको 200 पर ही लेना है क्योंकि वो लेटेस्ट लॉट अज्यूम करने का, डेट नहीं दिया है ना कुछ, तो लेटेस्ट इश्यू का रिटर्न अज्यूम करने का, तो ये आपका 200 रुपया ही रहेगा, और ये आपका जो स्टॉक का प्राइस रहेगा वही प्राइस अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। गॉट इट? ये शॉर्टेज तो रिटर्न्स पे एवरेज आउट नहीं होता, रिटर्न्स में एवरेज आउट नहीं होता, रिटर्न्स में जो लॉट में आपने इश्यू किया है ना वही लॉट का रिटर्न होगा ना, सेम लॉट, फिर बाद में स्टॉक में ऐड होके एवरेज करने का उसको बैलेंस, ओके। तो ये रिटर्न आपका 200, मतलब ये इधर 200 है, उधर शायद 200 ही आएगा आई थिंक रेट, क्योंकि पहला तीन सेम है, तो ये जो भी रेट का इश्यू मिला है आपको यहाँ पे, ये इश्यू दिस इश्यू का प्राइस विल बी ओवर हियर रिटर्न्स में, सेम प्राइस। एंड शॉर्टेज में जैसे यहाँ पे फीफो अज्यूम किया तो हमने पहला वाला क्वांटिटी से शॉर्टेज लिया ना, तो वेटेड एवरेज में आपका एवरेज प्राइस होगा, तो वही एवरेज प्राइस यहाँ पे आ जाएगा 200 के जगह। ट्राई करो, दिमाग काम करेगा, ट्राई करो, नहीं जमा तो पूछो मेरे से, विल गाइड यू, ओके। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मेथड, दैट इज रिटेल मेथड। रिटेल मेथड क्या है, अभी याद है मैंने शुरू में बताया था, देर आर टू वेज ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री, वन इज हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड वन इज नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट। नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट में दो थे, एक था यूनिक गुड्स, एक था सेम गुड्स। सेम गुड्स के हमने बेसिकली तीन, और वैसे देखा जाए तो चार मेथड देखे, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज और एक सिंपल एवरेज आज हमने देखा, उसमें हम लोग खाली रेट का टोटल करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एवरेज करते हैं। ये सब मेथड हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ गुड्स पे बेस्ड है, टर्न ऑन द वीडियोस गाइस, ये सब मेथड्स आपके ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ गुड्स पे बेस्ड है, ठीक है। नाउ एक और तरीके से आप अपने स्टॉक को वैल्यू कर सकते हो जिसको बोलते हैं नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, ठीक है। नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में पहला वाला हम लोग लर्न कर रहे हैं अभी, रिटेल मेथड।
रिटेल मेथड बोलते हैं इसको। रिटेल मेथड का मतलब क्या, ये रिटेल शॉप्स वाले जो मल्टीपल टाइप ऑफ गुड्स में डील करते हैं वो लोग अप्लाई करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल मेरा जनरल स्टोर है, आई हैव अ जनरल स्टोर, ओके। अभी जनरल स्टोर में मैं बुक्स भी रखता हूँ, कन्फेक्शनरी भी रखता हूँ, तुम्हारा कॉस्मेटिक्स भी रखता हूँ, और समझो खाने पीने का फास्ट मूविंग आइटम भी रखता हूँ, FMCG भी रखता हूँ। तो कंज्यूमर जो भी खाने पीने का रहता है तुम्हारा, चॉकलेट्स एंड कैडबरीज एंड ऑल दोस थिंग्स, तो मैं क्या करूँ, मेरे को अगर क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करना है तो क्या हर एक आइटम को ढूंढूं, मैं पागल हो जाऊंगा। देर आर 100 डिफरेंट आइटम्स ऑफ डिफरेंट कॉस्ट एंड डिफरेंट सेलिंग प्राइस इन माई शॉप, तो उसको मैं हर एक का ढूंढते जाऊं कॉस्ट, तो इट विल बी अ वेरी टीडियस प्रोसेस। तो रिटेल वाले क्या करते हैं, दे गो फॉर दिस मेथड। जो भी मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स में आप डील कर रहे हो सपोज, तो आप ये रिटेल मेथड ऑफ इन्वेंट्री यूज करोगे। क्या करोगे इसमें, आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। हम समझो तीन चीजों में डील कर रहे हैं, बुक्स ले लेते हैं, बुक्स ले लेते हैं, वी कैन टेक से खाने पीने के आइटम का लेट्स से फूड ग्रेन्स ले लेते हैं, फूड ग्रेन्स, एंड वी कैन टेक कॉस्मेटिक्स, बुक्स, फूड ग्रेन्स एंड कॉस्मेटिक्स, ओके। फूड ग्रेन्स में मैं गेहूं चावल ये सब में डील करता हूँ, जनरल स्टोर है। बुक्स में नोटबुक्स एंड टेक्स्ट बुक्स में डील करता हूँ। कॉस्मेटिक्स में तुम्हारा पाउडर हो गया, लिपस्टिक हो गया, उसमें डील करता हूँ, ओके। अभी हाउ दे विल वैल्यू देयर स्टॉक, देयर इन्वेंट्री, इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो भी होता है, जैसे बुक्स है, फूड ग्रेन्स है, कॉस्मेटिक्स है, इसका प्रॉफिट मार्जिन इज मोर और लेस सेम डिसाइडेड रहता है। कि बुक्स में उसको 20% का मार्जिन रहेगा, मार्जिन का मतलब 100 रुपए का बुक्स है तो कॉस्ट पे लेते हैं तो 120 में, 80 रुपए का है तो 20 रुपए में प्रॉफिट लगा के 100 रुपए में बेच रहा है, इसको 20% मार्जिन बोलते हैं, ग्रॉस मार्जिन बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ये हमेशा सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो आपको बुक्स अगर 80 रुपीज में मिला तो आपने 100 रुपीज में सेल कर दिया, तो वैसे ये जो बुक्स का जो भी बुक्स है, नोटबुक, टेक्स्ट बुक, इसमें मार्जिन डिसाइडेड रहता है कि 20% का अप्रोक्सीमेट मार्जिन आपको मिल रहा है बुक्स में। वैसे ही फूड ग्रेन्स में आपको मिल रहा है समझो 10% का मार्जिन, कि ज्यादा नेसेसिटी वाला आइटम है तो कम मार्जिन है 10% का। और कॉस्मेटिक्स जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव है, थोड़ा इलाइट प्रोडक्ट है, तो आपको 25-30% तो 30% ले लेते हैं, 30% का मार्जिन आपको मिल रहा है। तो ये मार्जिन का मतलब समझ आया आपको, ये मार्जिन का मतलब क्या हुआ, आर यू अंडरस्टैंडिंग हर्ष राजे, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिन्स। ग्रॉस मार्जिन का मतलब आप जो प्राइस में सेल कर रहे हो उसमें आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज द ग्रॉस मार्जिन, ठीक है। तो आपका बुक्स में है 10% मार्जिन, फूड ग्रेन्स बुक्स में है 20%, फूड ग्रेन्स में है 10%, और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पे 30% मार्जिन। तो अब यह दुकानदार क्या करेगा, हर एक चीज का कॉस्ट ढूंढ के कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है उसको। व्हाट ही विल डू, यूनिट्स कैलकुलेट कर लेगा सबके, ही विल कैलकुलेट ऑल द यूनिट। फिजिकल यूनिट तो इजी है गिनना, एक दिन आप दुकान में बैठो सब यूनिट्स आप गिन लोगे, इतना किलो गेहूं चावल है, इतना यूनिट्स है बुक का, 100, 200, 300 यूनिट है, और इतना लिपस्टिक है, इतना पाउडर का डब्बा है अपने पास, यूनिट्स तो गिन सकते हो आप, 2-4 घंटे का काम है, तो आपके पास यूनिट्स रेडी हो गए। अब आपको एग्जांपल के साथ देखते हैं, हमारा बुक्स का समझो 100 यूनिट है अपने पास, 100 बुक्स वी आर हैविंग, ओके 100 बुक्स, और उसके पास MRP भी होगा सबका, जो भाव पे वो बेच रहा है कस्टमर को, He might know the MRP of the books, right? जो प्राइस पे is selling to the customers. MRP printed होता है हर एक तुम्हारा बुक्स वगैरह पे दिया हुआ होता है। तो
ऑन एन एवरेज एमआरपी है उसका सबका मिला के समझो, ऑन एन एवरेज एमआरपी है उसका 50 रुपया, तो 100 यूनिट टोटली वो 5000 में बेचने वाला था, ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। आर यू गेटिंग दिस? वैसे ही फूड ग्रेन्स उसके पास 100 किलो है, पर केजी प्राइस इज अराउंड 40 रुपीज, तो 4000 रुपए हो गए, ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। वैसे ही आपके कॉस्मेटिक वगैरह के उसके पास 50 यूनिट है एट द रेट ऑफ उसका एमआरपी है समझो 200 रुपया, तो ये हो गया 10,000 रुपीज। ये मैंने क्या किया, आपको समझ आ रही है बात? What did I do? I calculated all the selling prices. So what is my total selling price over here? 5 + 4 = 9 + 10 = 19,000. ये इतने यूनिट स्टॉक में है उसके पास, दिस इज द क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स एंड दिस इज द क्लोजिंग स्टॉक इन अमाउंट। मिल गया ना, काम हो गया ना, कि कुछ करना बाकी है? कॉस्ट ढूंढना है भैया, क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट नॉट सेलिंग प्राइस। ये क्या मिला आपने को, सेलिंग प्राइस मिला, इसमें से कॉस्ट ढूंढना है, कोई बता सकता है? सिंपल है अभी, हर एक का ढूंढना पड़ेगा ना, हर एक का ढूंढना पड़ेगा। तो इसको बुक्स पे कितना मार्जिन मिल रहा था, बुक्स पे 20%, तो 5000 का 20% हटा दो ना, तो 5000 में से इफ आई सबट्रैक्ट 20% कितना मिलेगा, 4000। ये मिल गया मेरे को कॉस्ट ऑफ बुक्स, अप्रोक्स मिलेगा, एक्यूरेट नहीं मिलने वाला आपको, अप्रोक्सी मिलेगा, 19-20 मिलेगा, बट चलेगा, चलाना पड़ेगा, नहीं तो आप पागल हो जाओगे हर एक का कॉस्ट ढूंढ के करोगे तो। ओके, ये तो मैं 100 यूनिट ले रहा हूँ, दुकानों में तो 1000-1000 यूनिट भी होते हैं। ओके, तो आप क्या करते हो, एक स्पेसिफिक सेगमेंट का मार्जिन लेते हो और मार्जिन को सेलिंग प्राइस में से हटा देते हो, सिंपल। ग्रेन्स में उसको 10% मार्जिन मिल रहा है, तो क्या होगा, फूड ग्रेन्स का स्टॉक 4000 पे 10% माइनस कर दिया मार्जिन का, तो मिला 3600। और तीसरा उसको कॉस्मेटिक्स पे मिल रहा है 25-30% मिल रहा है, तो 10,000 पे माइनस 30% कर देगा तो 7000। हो गया रेडी आपका कॉस्ट, हो गया कि नहीं, हो गया, मिला कि नहीं? इसको बोलते हैं रिटेल मेथड, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिटेल मेथड। रिटेलर्स जितने भी होते हैं अपना स्टॉक ऐसे ही वैल्यू कर देते हैं, जो भी अपना एमआरपी है उसमें से अपना मार्जिन को माइनस कर देते हैं, सिंपल एज दैट। एक एक सेगमेंट का मार्जिन प्री डिसाइडेड रहता ही है, तो मार्जिन को आप हटा दो, प्रॉफिट को हटा दो, तो कॉस्ट मिल गया। इसको दूसरा नाम दिया गया है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। क्या बोलते हैं इसको, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? This is how the retailers will arrive at the stock, or the multiple malls, or the multiple ये अपना departmental stores, और क्या बोलते हैं इसको, आपका D-Mart and all, 100 चीजों में से deal कर रहे हो आप, ऐसे आपकी stock value कर देंगे। Is that clear? Units को गिनने का मेहनत आपको करना पड़ेगा, उसमें छुटकारा नहीं है, उसमें there is no छुटकारा, unit को आपको गिनना ही पड़ेगा, no choice। But unit मिलने के बाद MRP ready है, computer में डालो, MRP ready है, अब तो सब कंप्यूटराइज भी हो गया है। फिजिकल यूनिट स्टिल यू नीड टू चेक बुक यूनिट के साथ मैच करने के लिए, शॉर्टेज वॉर्टेज हुआ तो लॉस बताने के लिए। ओके, और फिर उसको मार्जिन आप माइनस कर दो सेलिंग प्राइस में से। समझा कि नहीं, बताओ मेरे को सबको, एनी डाउट इन दिस? चलो इस पे प्रॉब्लम करते हैं हम लोग, एक छोटू सा सिंपल सा प्रॉब्लम लेते हैं पहले फॉर स्टार्टर्स। This problem, sum number 33 देखते हैं, चलो 33rd problem देखो सब। 33rd problem, sum number 33 देखो। From the following information, calculate the historical cost of inventories using adjusted selling price method. Can you all see that 33rd? Adjusted selling price.
रिटेल मेथड या एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, दे विल स्पेसिफाई टू यू क्लियरली इन द प्रॉब्लम. नाउ सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, ये दिया हुआ है अपने को, सेल्स कितना हुआ है 2 लाख. कॉस्ट ऑफ परचेजेस दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ परचेजेस मतलब जो खरीदा हुआ गुड्स है उसका कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ परचेजेस आर 2 लाख्स, वो भी 2 लाख. अच्छा 2 लाख में खरीदा 2 लाख में बेचा तो कुछ प्रॉफिट लॉस हुआ ही नहीं यहाँ पे, इज इट ट्रू? पूरा थोड़ी ना बेचा. हाँ क्लोजिंग स्टॉक भी पड़ा हुआ है ना. ओपनिंग इन्वेंटरी इज निल, ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक इज निल, एंड बचा हुआ स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक इज 1000, बट एक कैच है यहाँ पे. क्लोजिंग स्टॉक तो ऐसा प्लेट में सर्व करके दे दिया ये लोग, क्लोजिंग स्टॉक 50,000, लेकिन एक बहुत बड़ा कैच है वहां पे. क्या है? सेलिंग प्राइस पे दिया है. सेलिंग प्राइस पे है भैया, सेलिंग प्राइस पे. अपने को क्या ढूंढना है इसका? कॉस्ट प्राइस. वी नीड टू अराइव एट द कॉस्ट प्राइस. अभी कॉस्ट प्राइस के लिए हमें भी सेलिंग प्राइस तो मिल गया था, एमआरपी है, यूनिट्स है, सेलिंग प्राइस मिल गया था. तो कॉस्ट प्राइस पे कैसे अराइव करना था अपने को? मार्जिन माइनस करके. लेकिन साला मार्जिन तो दिया नहीं है यहाँ पे. व्हाट इज अ मार्जिन? है ही नहीं अपने पास. क्या इस डेटा से आप मार्जिन ढूंढ सकते हो? सर इसमें कुछ सीओजीएस ढूंढ के फिर जीपी मिलेगा, फिर सीओजीएस सेल्स में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके उसके बाद हम लोग को मार्जिन मिलेगा. सेल्स में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके ऐड करके, लेकिन ऐड करेंगे ना. लेकिन देखो हाँ, पर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस क्लोजिंग माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सीओजीएस. बराबर. देखो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज सीओजीएस. यू आर वेरी राइट, यू आर वेरी राइट, बट ऑल दीज 3 आइटम्स आर एट कॉस्ट प्राइस. यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गया अपने को? कॉस्ट ऑफ परचेज इज दे दिया एट कॉस्ट प्राइस, दिस इज 2 लाख, बट दिस इज एट सेलिंग प्राइस, वी डोंट नो द कॉस्ट. दिस इज तो चलो नील. सर कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ परचेज. सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ परचेज क्या मिलेगा? 2,50,000 अपॉन 2 लाख 100 से डिवाइड करना पड़ेगा देखो यहाँ पे ये आपको समझाता हूँ मैं. ट्रेडिंग अकाउंट बना के ये समझो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है. कंसेप्ट समझ में आ गया ना? तो फिर तो केक वॉक है. दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है. ट्रेडिंग अकाउंट में आपका ओपनिंग स्टॉक है निल, यूजुअली जो कॉस्ट पे होता है वो निल है. कॉस्ट ऑफ परचेज दिया आपको कितना का गुड्स खरीदा आपने? 2 लाख का, 2 लाख का गुड्स यू हैव परचेज. बाय सेल्स कितने का सेल हुआ है आपका? 2 लाख का. एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये कौन से प्राइस पे लिखते हो आप यूजुअली? विचएवर इज लोअर. तो यहाँ पे तो अज्यूम करना कॉस्ट प्राइस ही कम है, तो कॉस्ट प्राइस पे लिखते हो, कॉस्ट प्राइस पे लिखते हो ना. मैं सेलिंग प्राइस पे लिख रहा हूँ यार, मैं सेलिंग प्राइस पे लिख देता हूँ यहाँ पे 50,000. ये करेक्ट ट्रेडिंग नहीं है, ये रॉन्ग ट्रेडिंग है. क्यों रॉन्ग ट्रेडिंग अकाउंट आपको समझ आ रहा है? हेलो, रॉन्ग ट्रेडिंग अकाउंट क्यों है समझ में आ रहा है? बिकॉज ये सेलिंग प्राइस पे लिया, ये कॉस्ट प्राइस ढूंढना है अपने, ठीक है. तो पहले रॉन्ग ट्रेडिंग बना लिया और जीपी कैलकुलेट कर लो. चलो जीपी बताओ कितना आएगा. आप जीपी मिल सकता है आपको? कितना है जीपी? 50,000 इज माय जीपी, राइट? हेलो, समझ आई बात? 50,000 इज जीपी. करेक्ट जीपी है कि रॉन्ग जीपी है? रॉन्ग जीपी है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस पे होना चाहिए, मैंने सेलिंग प्राइस पे लिया. चलो रॉन्ग जीपी तो रॉन्ग जीपी. तो यहां से हम लोग जीपी का परसेंटेज ढूंढ लेंगे. कैसे मिलेगा जीपी परसेंटेज? मतलब अपना मार्जिन कैसे मिलेगा? फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, जीपी अपॉन
सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक इंटू 100. नॉर्मली क्या होता है, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100 होता है. मैं यहाँ पे जीपी अपॉन सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ले रहा हूं. क्यों? क्योंकि इसमें भी प्रॉफिट पड़ा हुआ है और इसमें भी प्रॉफिट पड़ा हुआ है, दोनों में प्रॉफिट पड़ा हुआ, तो दोनों को ले लिया मैंने. तो अभी टोटल प्रॉफिट है 50,000 अपॉन सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक इनटू 100. कितना हुआ? 2 लाख प्लस 50,000 इनटू 100, तो कितना मिलता है आपको? 20% मिलेगा. 20%. ये हो गया आपका जीपी का परसेंटेज 20%. नाउ लेट्स वेरीफाई इट. देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है. ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, दिस इज 50,000 एट सेलिंग प्राइस. इसमें से मैं जीपी का परसेंटेज माइनस कर दूं, कितना है? 20% मार्जिन माइनस कर दूं तो कितना मार्जिन होगा इसमें? 10,000. तो व्हाट इज माय कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? तब जीपी परसेंटेज के लिए खाली सेल्स ही लेते हैं ना? एग्जैक्टली. बट यहाँ पे मैंने दोनों लिया है. क्यों दोनों लिया है? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक भी सेलिंग प्राइस पे था, कॉस्ट प्राइस पे नहीं था. बताता हूँ, देखते हैं सब सब क्लियर होगा. अब ये 50 माइनस 10 कितना हो गया? 40 हो गया. 40 इज द स्टॉक का कॉस्ट प्राइस. अभी लेट्स पुट इट इन ट्रेडिंग अकाउंट. अपना एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट कैसा दिखेगा? दिस इज एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट. इसमें मेरा ओपनिंग स्टॉक वॉज नील, परचेज तो कॉस्ट पे ही था, दैट वॉज 2 लाख. सेल्स तो सेलिंग प्राइस पे ही था, दैट वॉज 2 लाख. अभी जस्ट नाउ आर्यन सेड जीपी हमेशा किस पे लेते हो? कॉस्ट प्राइस पे लेते हो. सॉरी, जीपी हमेशा सेल्स पे लेते हो, कॉस्ट प्राइस पे नहीं, सेल्स पे लेते हो. जीपी हमेशा यू टेक इट ऑन सेल्स, राइट? हेलो, तो सेल्स कितना है? 2 लाख. 2 लाख पे जीपी लिया तो कितना मिलेगा? 20% जीपी है, जीपी कितना मिलेगा? 40,000 मिलेगा. अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक किस पे रिकॉर्ड करना है एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट में आपको? कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 40. ये आंसर ये इजीली भी हो सकता है ना? बोलो. 2,50,000 का टोटल सेल्स है और 2 लाख टोटल कॉस्ट प्राइस है. सो 50,000 का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा. 2,50,000 का टोटल सेल्स नहीं हुआ है, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक. सेलिंग प्राइस है वो. सेलिंग प्राइस. टोटल सेलिंग करके भी आ सकता है. 1.2 करेक्ट. तो सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक क्यों लिया? मैं किक आउट हो गया जब. हाँ, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है ना, कॉस्ट प्राइस पे नहीं है. क्लोजिंग स्टॉक में भी मार्जिन पड़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक में भी कुछ प्रॉफिट एलिमेंट पड़ा हुआ है. तो जो बेचा है वो गुड्स पे तो प्रॉफिट है और जो बचा है वो गुड्स पे भी प्रॉफिट. सी, क्लोजिंग स्टॉक क्या है? एक तरह का प्रीपेड एक्सपेंस है. एक्सपेंस को कम कर रहा है, मतलब इनडायरेक्टली इनकम को बढ़ा रहा है. तो यहाँ पे सेल्स आपकी इनकम को बढ़ाता है और क्लोजिंग स्टॉक भी आपकी इनकम बढ़ा रहा है, ऐसे देखा जाए तो. बट सेल्स आपकी इनकम को सेलिंग प्राइस से बढ़ाता है और क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस से बढ़ाता है. नॉर्मली यहाँ पे दोनों आपकी इनकम को सेलिंग प्राइस से बढ़ा रहे हैं क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट एट कॉस्ट, इट्स एट सेलिंग प्राइस. तो इसीलिए इन द फॉर्मूला ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये करेक्ट जीपी नहीं है, ये रॉन्ग जीपी है. दिस इज द रॉन्ग जीपी. व्हाई इट इज अ रॉन्ग जीपी? बिकॉज आई हैव टेकन माय क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस. जस्ट ट्राइंग टू कैलकुलेट द मार्जिन. एक बार मार्जिन मिल गया फिर करेक्ट जीपी भी मिल गया ना. ये करेक्ट जीपी है, ये करेक्ट जीपी है 40,000 एंड ये करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक है 40,000. दिस वॉज रॉन्ग जीपी. आई कैलकुलेटेड अ रॉन्ग जीपी जस्ट टू गेट मी द मार्जिन्स, जस्ट टू गेट मी द मार्जिन्स. ये समझ आया कि नहीं? अभी क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मल फॉर्मूला मालूम है ना जीपी का, मार्जिन का, जीपी अपॉन सेल्स इन 200, दैट यू नो राइट? नॉर्मली हमेशा जीपी सेल्स पे ही होता है क्योंकि स्टॉक तो कॉस्ट पे रहता है, उसमें कोई प्रॉफिट एलिमेंट पड़ा नहीं है. यहां पर दोनों
सेल्स एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक बोथ आर एट सेलिंग प्राइस. तो आपका जो सोल्ड गुड्स है उसमें भी प्रॉफिट है और क्लोजिंग स्टॉक में भी प्रॉफिट है. तो दोनों का प्रॉफिट मिलाओगे तब मार्जिन मिलेगी ना टोटल आपको. इसमें सेल्स में 40,000 पड़ा है और स्टॉक में 10,000 पड़ा हुआ है, ऐसा सीन है. टोटल प्रॉफिट आपका 50,000, वो रॉन्ग प्रॉफिट है बट 50,000 हुआ है यहाँ पे. रॉन्ग प्रॉफिट किसका है, ये 50,000 इन दोनों को मिला के हुआ है. तो इससे आपको मार्जिन मिल जाएगा, दैट इज 20%. ये दोनों पे मार्जिन है, सेल्स भी आपने 20% मार्जिन में सेल किया, स्टॉक में भी वही मार्जिन पड़ा हुआ है आपका. आपको मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. आप बुक्स में डील कर रहे हो, यू आर डीलिंग इन बुक्स. ओके, आपकी बुक्स का कॉस्ट प्राइस इज 80 रुपीज. आपने 10 यूनिट्स खरीदे हैं 80 रुपीज में, 10 यूनिट्स खरीदे 80 रुपीज में. आप दुकानदार हो, आप बुक्स में डील कर रहे हो, 10 यूनिट्स एट 80 रुपीज, 800 रुपया हुआ कॉस्ट. अग्री और डिसअग्री? अग्री. Okay. इसमें से 8 units यू हैव सोल्ड फॉर 100 रुपीज. 8 units आपने बेच दिए 100 रुपए में. 800 रुपया हुआ आपका सेलिंग प्राइस, वो आपका परचेज वैल्यू. आपको स्टॉक कैलकुलेट करना है. आपने दुकान में देखा कितने यूनिट ऑफ बुक है आपके पास? 2 units. MRP कितना है? 80 या 100? 100. तो 2 × 100 200 रुपया हुआ. ये क्या हुआ? सेलिंग प्राइस हुआ. दिस इज अ सेलिंग प्राइस, राइट? बट वी नीड टू अराइव एट द कॉस्ट. नाउ इन योर हेड यू नो द कॉस्ट इज 80 बिकॉज आई ओनली टोल्ड यू इन द बिगिनिंग इट इज 80. हाउ विल यू फाइंड आउट ओवर हियर? यहाँ पे आप देखोगे 80 का बुक आपने 100 में बेचा है तो कितना मार्जिन है आपका? 20%, राइट? तो जस्ट डिडक्ट 20% फ्रॉम योर, मिल गया ना 160. अब ये अपने पास यूनिट का डेटा था, प्राइस का डेटा था, इधर प्राइस का डेटा नहीं है. तो आप ऐसे सोचो, आपने एक ही यूनिट खरीदा है जिसका कॉस्ट प्राइस है 2 लाख और एक ही यूनिट बेचा है जिसका समझो 5 यूनिट. इजी पड़ जाएगा आपको यूनिट्स में समझना है तो ऐसा समझो, आपने 40,000 रुपीज का 5 यूनिट्स परचेज किया. 40,000 रुपीज का 5 यूनिट्स यू हैव परचेज, 5 × 40,000. तो आपका परचेज प्राइस हो गया ना 2 लाख. और उस 5 यूनिट में से आपने 4 यूनिट्स बेच दिए हैं क्योंकि आपका 1 यूनिट अभी भी पड़ा हुआ है गोडाउन में. आपने 4 यूनिट 50,000 में बेच दिया, दिस इज 2 लाख. 1 यूनिट आपका 50,000 रुपया पड़ा हुआ है गोडाउन में एट सेलिंग प्राइस. तो कितना मार्जिन हुआ आपका? 40,000 में खरीदा था, 50,000 में बेचा, 20%. 25% आएगा ना? 25. मार्जिन इज सेलिंग प्राइस पे लेना है, नमन कॉस्ट प्राइस पे नहीं. कॉस्ट पे नहीं लेना है मार्जिन. ग्रॉस मार्जिन इज ऑलवेज ऑन सेलिंग प्राइस, ग्रॉस प्रॉफिट. तो 40 में खरीदा हुआ आपने 50 में बेचा है तो 20% मार्जिन हुआ और 1 यूनिट आपका पड़ा हुआ है ये एट सेलिंग प्राइस. ये समझ आया? 5 खरीदा 4 बेचा, 1 यूनिट इज स्टिल लेफ्ट. 1 यूनिट में मार्जिन है 20%. ये हटा दो यहां से, 10,000, यू गेट 40,000. काफी तरीके से आप सोच सकते हो. मेन चीज क्या है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस में भी ले सकते हैं ना. सॉरी, कोई कोई बिजनेस मार्जिन कॉस्ट प्राइस में भी ले सकता है तो उसको कन्वर्ट कर देने का सेलिंग प्राइस पे. कॉस्ट पे 20% इज सेलिंग प्राइस पे 16.66, कॉस्ट पे 25% इज सेलिंग प्राइस पे 20%. इट इज वो फ्रैक्शन पता है ना तुमको, 1/5 ऑन कॉस्ट इज 1/6 ऑन सेल्स, 1/4 ऑन कॉस्ट इज 1/5 ऑन सेल्स, 1/3 ऑन कॉस्ट इज 1/4 ऑन सेल्स, 1/2 ऑफ कॉस्ट इज 1/3 ऑन सेल्स. ऑलवेज कन्वर्ट दैट. ये कब हुआ? ये कब हुआ?
11 में नहीं किया. C plus P equal to SP. कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, मार्जिन अगर कॉस्ट पे है 20%, तो सेलिंग प्राइस 120 हुआ. अभी यही 20 रुपीज इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 120? ओके ओके गॉट यू गॉट ना 16.66% मिलेगा तुमको. तो दिस इज 1/5 ऑन कॉस्ट राइट. 20% इज 1/5 ऑन कॉस्ट. तो 1/6 ऑन सेलिंग प्राइस हुआ ना. अगर मैं तुमको बोलूं C plus P SP 100 plus 25, 125. Profit is what? 25% on cost, right? So what percentage it is on sales? 25 upon 125 into 100. 20%. Got it? Cost pe diya to convert it to selling price. Simple as that. So this is 1/4 on cost. So this is 1/5 on selling price. If it is 1/3 on cost, it is 1/4 on selling price. If it is 1/5 on cost, it is 1/6 on selling price. Just a second. Actually, there are lecture maju. I'm gonna phone go to add up. Acha, theek hai. Jo lo. Well, but if you take certain figures like 30, then it does not apply, na. वो अभी वो fraction भी change हो जाएगा ना. ये खाली one वाला fraction है. Shortcut. जनरली इसके अराउंड आता है परसेंटेजेस. इसके लिए कुछ ऑड परसेंटेज है, 30 है, 32 है, 33% है. तो फिर परसेंटेज करके करो. 100 प्लस 32 इज 132. दिस इज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट. व्हाट इज द परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस? 32 अपॉन 132 इनटू 100. दिस इज द मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस. गॉट इट? Yes, sir. Cost पे दिया हुआ है प्रॉफिट, तो आपको आप उसको एसपी पे इमीडिएटली कन्वर्ट कर सकते हो जब चाहिए तब. प्रॉफिट का क्या परसेंटेज है सेलिंग प्राइस पे? तो अगर आपको मार्जिन बोल रहा है यहाँ पे, ग्रॉस मार्जिन बोल रहा है, तो हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट इज एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स ओनली, नॉट कॉस्ट. ओके, बिजनेस में जितने मार्जिन होते हैं ऑल आर ऑन सेलिंग प्राइस. प्रॉफिट ऑन कॉस्ट हम लोग खाली वो सोल प्रोप्राइटर के लिए यूज करते थे, कॉस्ट पे ऐड करके फिर कैलकुलेट करें. अदरवाइज मार्जिन आर ऑलवेज ऑन सेल्स. नथिंग इज स्पेसिफाइड, मार्जिन आर ऑलवेज ऑन सेल्स, सेलिंग प्राइस. तो अभी सर, हाँ बोलो. वो कैसे किया? 50,000 मेरे को जीपी मिला पहले. मैंने क्या किया, टोटल प्रॉफिट ढूंढ लिया. जो सेल का प्रॉफिट है वो प्लस क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट है वो भी ढूंढ लिया. ये दोनों को ऐड करके मिल गया ना, कॉस्ट में से माइनस करके. ये दोनों पड़े हुए हैं सेलिंग प्राइस पे. इसमें से कॉस्ट को माइनस किया तो जीपी मिल गया 50,000. नाउ दिस जीपी इंक्लूड्स बोथ द प्रॉफिट्स ऑन सेल्स एज वेल एज ऑन क्लोजिंग स्टॉक. सो इफ आई टेक 50,000 इन द न्यूमरेटर, तो ये दोनों का प्रॉफिट है. मैं परसेंटेज ढूंढ रहा हूँ कि ये 50,000 दोनों को मिला के, दोनों का प्रॉफिट है ना, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक दोनों को ऐड किया हुआ है, दोनों को मिला के मिला है 50,000. तो परसेंटेज वाइज कितना होगा? परसेंटेज वाइज होगा 50 अपॉन दिस, दोनों को ऐड करके मिलेगा ना. खाली सेल्स का होता तो डिनोमिनेटर में खाली सेल्स लेता, क्योंकि यहाँ पे सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक दोनों को मिला के जीपी मिला है, तो डिनोमिनेटर में सेल्स और जीपी दोनों लूंगा. सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी, ये जीपी दोनों को मिला के, तो डिनोमिनेटर में भी दोनों होंगे परसेंटेज ढूंढने के लिए. समझ रहे हैं अभी? एक और एग्जांपल करते हैं और क्लियर होएगा. देखो रिटेल वाला, ये इसका आंसर बराबर से बनाना है. जस्ट अ सेकेंड. ट्रेडिंग अकाउंट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ओके, ट्रेडिंग अकाउंट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. आपको आंसर ऐसे मैं प्रेजेंट करके दिखाने का इधर बता रहा हूँ. सेल्स ड्यूरिंग द ईयर स्टार्ट कर दो 43rd में. सेल्स ड्यूरिंग द ईयर इज 2 lakhs. कॉस्ट ऑफ परचेज, मतलब परचेज वैल्यू इज 2 lakhs. Opening inventory is nil.
एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस is 50,000. Now what do is calculate a wrong GP. Okay, so yahan pe likhne ka, therefore total gross profit on sales plus closing stock, total gross profit on sales plus closing stock at selling price is equal to total gross profit on sales plus closing stock at selling price is equal to 2 lakh, that's your sale price, plus 50,000, that's your closing stock, minus 2 lakh, that is your purchase price. Agar direct expense hota to wo bhi minus ho jata, opening stock hota to wo bhi minus ho jata, kuch nahi tha. To maine kya kiya, sales minus sales plus closing stock at selling price minus purchase price cost. So this is 50,000. This is total GP on sales plus closing stock. Now you calculate GP margin, gross profit margin, yeah, gross margin. That will be what? Your gross profit upon sales plus closing stock into 100. Normally it is only upon sales into 100. Here it is sales plus closing stock, because your closing stock is at selling price. So you arrive at a GP margin of 50,000 divided by 2,50,000 into 100, which is equal to 20%. And now your closing stock at cost price is nothing but selling price wala 50,000 minus 20% margin, which is 40,000. You can write 20% of 50,000, that is 10,000. So 50,000 minus 20% gross margin, that is 40,000. This is how you present it. इधर कंफ्यूजिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि नॉर्मली हम लोग सेल्स लेते हैं, यहाँ पे क्यों क्लोजिंग स्टॉक ले रहे हैं? क्लोजिंग स्टॉक लेने का यही रीजन है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक सेलिंग प्राइस पे दिया है. नॉर्मली हमेशा क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो मार्जिन इज ऑलवेज ऑन सेल्स. बट जब भी क्लोजिंग स्टॉक एसपी पे दिया होता है तो एसपी देना पड़ेगा आपको डिनोमिनेटर, क्योंकि उसका प्रोपोर्शनेट है प्रॉफिट. 10,000 प्रॉफिट उसका भी पड़ा हुआ है, टोटल 50 में 10,000 क्लोजिंग स्टॉक का भी प्रॉफिट पड़ा हुआ है. Okay. Take another example. Starting में ही है. Sum number two देखो. Problem number two. On the same lines. Sales during the year, cost of purchase, opening inventory at cost and closing inventory at selling price. तो इसमें टारगेट क्या है? पहले तो रिटेल मेथड करना है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस करना है, तो मार्जिन ढूंढना पड़ेगा. मार्जिन ढूंढ लिया तो सब काम आसान है. तो मार्जिन ढूंढने के लिए स्टार्ट विथ इंफॉर्मेशन. सेल्स दिया हुआ है, दैट इज 5 लाख. कॉस्ट ऑफ परचेज, दैट इज परचेज कॉस्ट, इज 3 लाख. ओपनिंग इन्वेंट्री इज 25,000. अभी इधर ओपनिंग इन्वेंट्री भी दिया है, ओपनिंग स्टॉक भी दिया है, 25,000, and closing inventory at selling price diya hua hai, that is 60,000. Now how will you arrive at a total GP first? Total GP kaisa karne ka? Pura sales plus closing stock minus purchase minus opening stock. Chahiye to chhotu sa trading account bana ke dekh lo, sab jo information diya usse GP dhoond lo. So total GP equals your sales plus closing stock minus purchase minus opening stock, which is 5 lakhs plus selling price per 60,000 minus 3 lakhs minus 25,000, which is 5 lakh 60
माइनस 325 व्हिच इज 235,000 That's your total GP. अब ये total GP का अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि इसमें sales का तो profit पड़ा हुआ है, plus closing stock का भी profit पड़ा हुआ है। ये closing stock आपने लिखा हुआ है selling price पे, credit side पे, है ना? Cost price पे लिखा होता तो उसका profit नहीं पड़ा होता, तो मैं denominator में उसको नहीं भी नहीं लेता। यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो now your GP margin, your GP percentage will be what? GP upon sales plus closing stock, because it was at selling price, in 200, which is 235,000 divided by 5 + 60,000 in 200, which is how much? 41.96. 41.96% बस 42 का कट है, नहीं दो डेसिमल तक रखना, परसेंटेज है, टू डेसिमल्स तक यू शुड कीप। 41.96% मिल गया, अभी मार्जिन मिल गया तो सब सेट है। अभी क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस ढूंढना है बस। इक्वल्स व्हाट? कॉस्ट प्राइस पे कितना होगा? 60,000 माइनस मार्जिन ऑफ 41.96%। ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, उसमें क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे डालो और जीपी मार्जिन सेल्स पे लेना, आपको टैली होना चाहिए ट्रेडिंग। दैट्स अ वे टू वेरीफाई यू हैव डन इट राइट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, ओपनिंग स्टॉक कितना आएगा उसमें? 25, वो तो कॉस्ट पर ही है, परचेज 3 लाख कॉस्ट पर ही है, सेल्स 5 लाख सेलिंग प्राइस पर ही है। क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखोगे उधर? 34824 लिखोगे, और जीपी मार्जिन कितना आपका? 41.96, सेल्स पे लेना आप 5 लाख का 41.96, और आपका ट्रेडिंग टैली हो जाएगा ऑटोमेटिक विद दैट जी। चेक करके देख सकते हो। के नीचे एक और ये वाला 15th सम, लास्ट सम, we wind up sum number 15, adjusted selling price, last sum. Okay, sum number 15, see what are they given. Messrs X, Y and Z are in a retail business. Following information is obtained from their records for the year ended 31st March 2016. Goods received from suppliers subject to trade discount and taxes, 3% trade discount, 11% sales tax. अभी sales tax नहीं है, but still question में तो ले लेना। Subject to 3% trade discount and 11% sales tax. तो trade discount क्या करोगे? Plus या minus? Subtract. Subtract. और sales tax क्या करोगे? Add. Add. Cost बढ़ा देगा। तो वो purchase price बढ़ गया आपका। Packaging and transportation charges. Add करेंगे। Add कर दोगे cost पे। So historical sales tax cost फंडा क्या होता है? इसका फंडा क्या होता है? सेल्स टैक्स का। सेल्स टैक्स का फंडा एक्चुअली क्या होता है? आप इंपोर्ट, जब आप खरीद रहे हो तब आप पे करोगे, और जब आप बेच रहे हो तब आप रिसीव करोगे। तो एक्चुअली आपका कुछ लेना देना नहीं है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, बट ऑलवेज यू एड इट टू गुड्स एंड कीप एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। और बाद में जब रिकवर होता है तो सेलिंग प्राइस में एड करके कस्टमर से वसूल लेते हो। समझा? मतलब मैंने गुड्स खरीदा 100 रुपए का, मैंने 10 रुपया परचेज पे टैक्स पे किया, दैट इज माय इनपुट टैक्स। अब बेचते वक्त मैं वो 110 का कॉस्टिंग ले लेगा गुड्स का, वो 110 का गुड्स में सेल करेगा 130 में, उसमें 20 रुपया मेरा प्रॉफिट और 10 रुपया टैक्स, तो 140 में बेचेगा।
तो कस्टमर मेरे को 140 देगा, उसमें से 20 रुपया मेरा प्रॉफिट और 10 रुपीज मतलब 10-12 आएगा, थोड़ा ज्यादा आएगा, तो 10 तो मैंने पे किया है और 12 रुपया में टैक्स रिसीव किया, 142 में बेचेगा 12 रुपया टैक्स लगेगा, 2 रुपया में गवर्नमेंट को पे कर देगा नेट टैक्स। मैंने परचेज किया 100 में, उस पे 10 रुपया टैक्स, तो मेरा कॉस्ट हो गया 110। अभी जब सेल करूंगा तब 110 पे मैं पहले तो 20 रुपया प्रॉफिट लगा के सेफ हो जाऊंगा, तो 130 इज माय मार्जिन। और जो टैक्स था 10 रुपया वो अभी हो जाएगा 12, क्योंकि वो वैल्यू एडिशन हुआ, वैल्यू एडिशन पे उतना परसेंट टैक्स बढ़ जाएगा 2%। तो अभी मैं बेचूंगा तब टैक्स लगेगा मेरे को 12 रुपया, मार्जिन परसेंटेज पे रहता है ना आपका, तो इधर 10% था तो इधर 10% मतलब 133, चलो 10% ही लेते हैं, इधर 10% था तो 130, इधर 10% हुआ तो 130 का 10% होगा टैक्स, तो 133। तो मैं कस्टमर को बेचूंगा 143 में, तो अभी कस्टमर से मेरे को मिला 143, मेरा कॉस्टिंग था 110, 20 रुपया ही मेरा प्रॉफिट है उसमें, बाकी 13 रुपया टैक्स है और यहाँ पे 10 रुपया टैक्स है। तो मैं क्या किया, खरीदते वक्त 10 पे कर दिया है, आते हुए मेरे को 13 मिला है, 13 में से खाली 3 रुपया मैं दे देगा गवर्नमेंट, 3 रुपीज आई विल पे टू द गवर्नमेंट, दैट इज माय जो आप अभी जीएसटी के फॉर्म में करते हो, हर साल रिटर्न फाइल करे हर महीने हर 3 महीने डिपेंडिंग ऑन योर स्लैब, दिस इज द डिफरेंस ऑफ 3 रुपीज विल गो टू द गवर्नमेंट। और मेरे जो ऊपर वाला बंदा है वो 10 रुपीज, वो मैन्युफैक्चरर है, 10 रुपया गवर्नमेंट को दे देगा, गवर्नमेंट विल गेट अ टोटल टैक्स ऑफ 13 रुपीज विच इज वसूलफाइड फ्रॉम द कस्टमर, अल्टीमेटली 13 रुपया पूरा का पूरा कस्टमर ने पे किया, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, दिस इज हाउ द मैकेनिज्म वर्क्स, ये आपको है पूरा जीएसटी इंटर में है पूरा जीएसटी। नाउ ओवर हियर व्हाट विल हैपन, गुड्स आर सब्जेक्ट टू टैक्स एंड ट्रेड डिस्काउंट, तो पहले क्या करोगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे कि टैक्स ऐड करोगे, पहले सेल्स टैक्स माइनस, पहले आप लोग सेल्स टैक्स करेंगे ना, पहले ट्रेड डिस्काउंट, बल्क में खरीदा है पहले कैसा सेल्स टैक्स, हेलो, भाव कम करके बेचा है ना आपने, आपने सपोज बुक्स का धंधा कर रहे हो आप, आपकी बुक्स की वैल्यू है, आपको सेलिंग प्राइस है 60 रुपीज, कोई बल्क में ले रहा है तो आपको 55 में बेच रहे हो, तो वो जो टैक्स होगा वो 55 पे ही लगेगा, 60 पे नहीं लगेगा, जो आपके प्राइस है ना सेलिंग प्राइस, आपकी सेलिंग प्राइस सामने वाले की बाइंग प्राइस परचेज प्राइस, उसी पे टैक्स लगता है। ट्रेड डिस्काउंट तो आपका प्राइस डिटर्मिनेशन से पहले ही माइनस हो चुका है, ट्रेड डिस्काउंट तो हवा है, हवा बल्क परचेज के लिए, कहीं रिकॉर्ड भी नहीं होगा, कुछ लेना देना भी नहीं है, आपके दिमाग में था वो प्राइस। टैक्स किस पे लगता है, जो ब्राउ पे एक्चुअल आपका सेल बना, इनवॉइस बना, तो आपने परचेज किया है 15,75,000 का, उस पे सब्जेक्ट टू 3% डिस्काउंट, शोइंग यू द सॉल्यूशन हियर ओनली, 15 सम राइट लाइक दिस, गुड्स परचेज्ड इज इक्वल टू 15,75,000, ये 15,75,000 उसका ग्रॉस प्राइस था, ग्रॉस दिमागी प्राइस था, उसमें आपने बल्क में खरीदा 1,75,500, ओके, ये उसका दिमाग में प्राइस था, ग्रॉस प्राइस। अभी आपने टीडी माइनस किया, व्हाट्स योर ट्रेड डिस्काउंट ऑन दिस, 47265, आपने बोला इतना बल्क में ले रहा हूं मेरे को डिस्काउंट दे, ट्रेड डिस्काउंट उसने भाव ही कम कर दिया, अब इसका भाव 15,75,500 है ही नहीं, उसका भाव कितना हो गया, ये भाव बोलो कितना था, 1,528,235, ये उसका प्राइस हो गया, ये प्राइस का इनवॉइस बनेगा, ट्रेड डिस्काउंट तो दिमागी प्राइस था, कोई और बल्क में ले रहा है तो उसको 10% टीडी दे देगा वो, तो उसका प्राइस और घट जाएगा, वो इनवॉइस प्राइस होगा, उस पे टैक्स लगेगा, टैक्स हमेशा आपका इनवॉइस प्राइस पे लगता है, सब्सिडरी बुक में जो आप रिकॉर्ड करते हो ना कॉलम में, इनवॉइस प्राइस आफ्टर टीडी, जिसका इनवॉइस बनता है उस पे टैक्स, ओके, ग्रॉस प्राइस इज इन योर माइंड, आपने सोच के रखा ये भाव पे बेचोगे, दैट्स इन योर माइंड, ओके, आप उसको कम कर सकते हो डिस्काउंट देके, बल्क डिस्काउंट देके, प्लस
सेल्स टैक्स या इधर जीएसटी हो या जो भी हो, कितना आता है? इट इज 11% ऑन दिस अमाउंट. दिस इज माय इनवॉइस प्राइस. तो करो ऐड इस पे. 168105.85 106 168106. एंड देन व्हाट्स योर फाइनल परचेज प्राइस? परचेज वैल्यू कितना मिला? टोटल ऐड करो. दो डेसिमल तक नहीं लेंगे? नहीं, इसको डेसिमल तक नहीं लेने का. अमाउंट सब राउंड ऑफ ही करने का. रेट था ना उधर, रेट है, परसेंटेज है, उसको पर दो डेसिमल तक. 1696341. अभी इस पे पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन यू विल ऐड, बिकॉज़ डायरेक्ट एक्सपेंस एडेड टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स. तो प्लस पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन वन टाइम एक्सपेंस है, होने वाला है. गुड्स को लाने के लिए यूजेबल कंडीशन में लाने तक का सब खर्चा ऐड करना है. 87,500. 1783841. What is this? This is my total cost of purchase. Total cost of purchase. Do we have any opening stock? No. Opening stock is nil. We have sales and we have selling price of closing in. So what you can write over here? Sales. Alag hi banana point. Sales are equal to 22,45,500. And closing stock at selling price, that is 2,35,000. Now our target is to what? Calculate our total GP. Abhi kiya humne. Total GP will be what? This is sales plus closing stock at selling price minus the cost of purchase. Last time apna jo cost tha na 2 lakh, wo ye hai abhi. 1783841. ये कॉस्ट ऑफ परचेज का मतलब समझे आप? टोटल कॉस्ट जो खरीदने पे हुआ, टीडी माइनस प्लस टैक्स प्लस ट्रांसपोर्टेशन कैरेज फ्रेट वगैरह सब मिला के. सो व्हाट आंसर यू गेट फॉर टोटल जीपी? दैट 696659. एक सेकेंड. दिस इज 22,45,500 प्लस 2,35,000 माइनस 1783841. कितना आता है? 696659. That's your total GP, which is wrong right now. We are just doing it to calculate margin. So GP margin kya hoga? GP percentage kya hoga aapka? This GP 696659. Aur denominator mein kya loge? Khali sales ki sales plus closing stock. Sales plus closing stock. Kyunki dono included hai yahan pe. Okay, dono mein profit margin pada hua hai. So that should be 22,45,500 plus 2,35,000, which is how much? 28.09%. This is your margin. Bas apply it on closing stock. Closing stock at cost price is what? 2,35,000. Minus the margin of 28.09%. 168,989. Khatam. Is that clear? Samjha ki nahi? Bataiye. Okay. तो हमेशा एडजस्टेड सेलिंग प्राइस में फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेंबर, क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट एट कॉस्ट, इट्स एट सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस है तो उसके अंदर भी प्रॉफिट पड़ा है. तो जीपी कैसे कैलकुलेट करना है? जीपी में आपको सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक दोनों का प्रॉफिट है, तो टोटल जीपी इंक्लूड्स बोथ द प्रॉफिट्स. देन टू अराइव एट द मार्जिन यू नीड टू डिवाइड नॉट ओनली बाय द सेल्स बट ऑल्सो बाय द क्लोजिंग स्टॉक. So that you get the total margin. And once you get the margin, just subtract that margin from closing. Verification. Iska verification bahut simple hai. You just make a trading account with all the data you have. Dekh lo ye trading account verification, 2 minute. Trading account, kya likhoge yahan pe? Opening stock is nil. Cost of purchase. Ek hi minute. Cost of purchase
is how much? 178,3841. Price is what? Buy sales 22,45,500. Closing stock at cost price. Closing stock at cost price is 168,989. And your GP percentage. Now your actual GP on sales. So 22,45,500 ka 28.09%. Karo. 22,45,500 ka 22.09%. Should tally. 630761. You'll get an approximate answer. 5-10 रुपए का फर्क आएगा वो राउंड ऑफ के वजह से. टैली हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट आपका. दिस इज अ वे टू चेक यू हैव गॉट द करेक्ट मार्जिन. ओके वी स्टॉप. एक होमवर्क है आपका वेटेड एवरेज वाला. वेटेड एवरेज वाला जो हमने सम किया था ना बड़ा वाला, उसमें वेटेड एवरेज मेथड करनी है और बस दैट्स इट. एक ही सम होमवर्क है. और कुछ डाउट्स है अभी इसमें तो पूछ लो, अदरवाइज यू कैन लीव. विल मीट टुमारो. टाटा बाय बाय सी यू.